हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोकेटरी धनम्बी फेक तो रोकेटरी धनम्बी फेक फिल्म का जो हिंदी वर्जन है दूसरे सभी जो वर्जन है वो कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर मैं एक डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलेगी प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी बातचीत करेंगे फिल्म का जो और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कितना हो सकता है उसके ऊपर मैं एक डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म की स्टोरी के ऊपर आइडिया देने वाला हूँ स्टोरी का एक, एक एक्सप्लेनेशन होगा एक्सप्लेनेशन मतलब कि फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसका एक प्रोडिक्शन देने वाला हूँ इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट और साथ ही में स्टार कास्ट के ऊपर भी बातचीत करेंगे इस फिल्म की जो बायोग्राफिकल ड्रामा है वो कौन से आदमी के ऊपर बेस्ड है उसके ऊपर बातचीत करेंगे उनकी लाइफ जर्नी के ऊपर भी बात करने वाले तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते है रोकेटरी द नंबी इफेक्ट जो 2022 की इंडियन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म की कहानी नम्बी नारायण नाम के एक फॉर्मर साइंटिस्ट है उनके ऊपर बेस्ड है जो एक एरोस्पेस इंजीनियर भी थे जिन्होंने आई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे उनको एक चीज के ऊपर एक किया गया था वो क्या है वही फिल्म की कहानी पनाती है इसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो महारत हासिल की हुई थी उसके बाद में उन्होंने उन सभी चीज़ों के लिए कितनी फाइट की हुई थी वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है तो ये कुछ रफली स्टोरी आइडिया है जहाँ पे इस कहानी को नम्बी नारायण के बचपन से लेकर जहाँ तक उन्होंने ये सभी चीज़ों की मुसीबतें सही हुई है वहाँ तक पूरी फिल्म की कहानी हमारे सामने पेश की जाएगी इस फिल्म का जो, जो जोनर है वो बायोग्राफिकल ड्रामा है जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी सारे आपको रियल

वहीं पे मुरलीधरन मिसा घोषाल श्याम रेगननाथन कार्तिक कुमार गुलशन ग्रोवर दिनेश प्रभाकर मोहन रमन रोन डोनची फिलिस लोगन विंसेंट रियोटी श्री राम पर बिजो थ जगन राजीव रविंद्रनाथन से मोहनन बावसिल शाहरुख खान का एक गेस्ट अपीरियंस है हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का आपको गेस्ट अपीरियंस देखने को मिलेगा तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सरिता माधवन आर माधवन वर्कीस मुलान विजय मुलान तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने ट्राई कलर फिल्म वर्गिस मुलान पिक्चर्स और ट्वेंटी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यूएफओ मूवीज ने हिंदी वर्जन के लिए रेड जाइंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए यशराज फिल्म फार्स फिल्म कंपनी ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो फिल्म के साथ काफी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया है वहीं पे फिल्म का रन टाइम है 130 मिनट यानी कि दो घंटे 10 मिनट का ये फिल्म आपको देखने को मिलेगा यू सर्टिफिकेट है इसका मतलब कि ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस देख सकती है जहाँ पे नम्बी नारायण की बायोग्राफी को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे आर माध्यम ने उतारा हुआ है उनका स्टोरी आइडिया काफ़ी अच्छा था उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने इम्पलीपेट किया हुआ है टीजर ट्रेलर में बखूबी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है जो गाने सुनने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है सेम सी एस का बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी इंप्रेसिव वे में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी सीरीसा रे ने की हुई है जिन्होंने काफ़ी बेस्ट पॉसिबल वे में इस किरदार को यानी कि नंबी नारायण के किरदार को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है फिल्म का जो टोन था फिल्म का जो एक्चुअल मूड था उसको अच्छी तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है फिल्म का जो रियलिटी ड्रामा है उन्होंने बेहतरीन वे में कैप्चर करके दिखाया हुआ है फिल्म का वे इफेक्ट अच्छा है इसके अलावा कलर टोन है इसका इसके अलावा लाइटनिंग है वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किए हुए फिल्म की जो साउंड इफेक्ट है फोली है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें ऐड की हुई है, जो एक नेचुरल वाइब देती है इसके अलावा फिल्म के एडिटर की तारीफ करनी पड़ेगी बिचित बाला की जिन्होंने सिर्फ 130 मिनट में काफी सारी चीजें हमारे सामने पेश किए हुए नंबी नारायण का किरदार काफी क्रिस्प और एंगेजिंग मैनर में पेश करके दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग है वो फिल्म के हाईलाइट है फिल्म को काफ़ी बेहतर वे में सपोर्ट करता है फिल्म का जो एक मोटिवेट टाइप का मूड होना चाहिए वो हम इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू महसूस करते फिल्म के सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा था नम्बी नारायण के किरदार को आर माधवन जी ने जिस तरह से अपने एक्टिंग के थ्रू पर्दे पर उतारा हुआ है उनका वो किरदार में वो झच रहे थे उनका डायरेक्शन है उनका जो स्टोरी आइडिया है उनका जो स्क्रीन प्ले वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे सामने एंगेजिंग मैनर में दिखाने में कामयाब रहे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी है अच्छे बजट में बनाया गया जिसकी वजह से फिल्म के वेफेक्ट भी काफ़ी बढ़िया थे फिल्म का जो एक आ, आर्ट डायरेक्शन के लिए या फिल्म के हर एक फ्रेम के लिए वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा आउटपुट निकाला हुआ है इस फिल्म को काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल पे रिलीज किया हुआ है जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की गई है तो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो आर माधवन आपको नंबी नारायण के रोल में दिखाई देंगे सिमरन ने मीना नारायण का रोल प्ले किया हुआ है रजित कपूर आपको विक्रम सारा भाई के रोल में दिखाई देंगे जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन के लिए उन्होंने वो रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन के लिए रवि राघवेंद्र ने विक्रम साराभाई का रोल प्ले किया हुआ है मुरलीधरन आपको अरुणन के रोल में दिखाई देंगे मिसा घोषाल आपको गीता नारायण के रोल में दिखाई देंगे श्याम रेंग नाथन ने शंकर नारायण का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक कुमार ने पी नयन का रोल प्ले किया हुआ है गुलशन ग्रोवर ने एपीजे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है दिनेश प्रभाकर ने एल डी गोपाल का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने उडुपी रामचंद्र राव का रोल प्ले किया हुआ है रोहन डोनाल्ड ची ने कन्ल क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है फिलिप स्लोगन ने मिस्टर क्लेवर मिस के क्लेवर का रोल रौ, प्ले किया हुआ है विंसेंट रियोटा ने ल्यूजी क्रोको का रोल प्ले किया हुआ है श्री राम पार्थ स्वामी में बेरी अमल देव का रोल प्ले किया हुआ है बीजुआई थंगजम ने स्टूडियो फिल्म पर्सोनल का रोल प्ले किया हुआ है जगन ने एक साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है राजीव रविन्द्र ने परम का रोल प्ले किया हुआ है सेम मोहन ने उन्नी का रोल प्ले किया हुआ है पावसिल ने सरताज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा शाहरुख खान का एक गेस्ट अपीस ियंस देखने को मिलेगा हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पे तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का देखने को मिलेगा इस फिल्म को टोटल पांच लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है मलयालम कन्नडा और तेलुगु वर्जन में फिल्म को डब किया गया है टोटल छह लैंग्वेज में आपको पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगी इस फिल्म के स्टोरी आइडिया डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ये फिल्म 2012 में सितंबर में अनाउंस की गई थी पे अनंत महादेवन को डायरेक्ट करने वाले थे तो उसके बाद में फिल्म के ऊपर कुछ खास बातें सामने नहीं आई नंबी नारायण के किरदार के ऊपर वो इस फिल्म को बनाने वाले थे धीरे धीरे पता चला कि नंबी नारायण का किरदार मोहनलाल प्ले करने वाले वहीं पे बाद में काफी सारे चेंजेस के बाद हमें पता चला कि ये फिल्म को आगे बढ़ाने वाले हैं आर माधवन जो इस फिल्म का एक्चुअल स्टोरी आइडिया लेके आए हुए थे वो अप्रैल 2017 तक आर माधवन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इस फिल्म का नाम रॉकेटरी द नंबी फेक होने वाला है जहाँ पे इस फिल्म के कहानी में जो डिरेक्शन है वो उनका रहने वाला स्टोरी आइडिया वो सभी चीज़ें वो क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी दिखाने वाले एक अनसंग हीरो के बारे में जहाँ पे वो एक स्पोर्टमैन भी नहीं है ना कोई एक्टर है बाद में उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो किरदार है नम्बी नारायण का तो अब उनकी किरदार के ऊपर पूरी चीज़ें दिखाने वाले हैं उनके पास जो एक फॉल्स चार्ज लगे हुए लिगे लगे हुए थे इस्पिनो नैजे के लिए तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी करने वाले जहाँ पे उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम कर दिया है फिल्म का रेगुलर शूट जल्दी स्टार्ट होने वाला है उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग को और uh, 2019 में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 4 जनवरी 2019 में मुंबई में स्टार्ट की गई थी एक मल्टी लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन तीन लैंग्वेजेस में शूट किया गया था इंग्लिश हिंदी तमिल तो एक ही सीन को तीन बार शूट किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन के लिए थोड़े डिफरेंट एक्टर्स भी यूज किए हुए थे फिल्म की शूटिंग काफ़ी लंबी चली थी क्योंकि एक ही सीन को तीन बार शूट करना तो हर एक शेड्यूल काफ़ी लंबा जा रहा था इसके चलते फिल्म को बनाने में काफ़ी समय लगा जहाँ पे जिस तरह से रा आरमाधवन के अलग अलग सेट्स दिखाए हुए अलग अलग टाइम ट्रैवल अलग अलग टाइम के किरदार में दिखाया हुआ है तो चौदह कलाक लगते थे उनको चौदह घंटे जहाँ पे उनका एक प्रोस्थेटिक मेकअप क्रिएट किया जाता था उसके बाद में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है जहाँ पे सिमरन ने सेट को जो है काफ़ी लेट किया हुआ था जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है वहीं पर सूर्या शाहरुख खान का एक कैम्योपीरेंस था जहाँ पर उन्होंने अपने रिस्पेक्टेड लैंग्वेजेस में शूट किया हुआ है इसके अलावा इसके लिए उन्होंने कोई भी फीस चार्ज नहीं की हुई थी दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट है उन्होंने आगे के वर्जन फिल्म के अलग अलग वर्जन के लिए काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जनवरी 2019 में जॉर्जिया और रशिया में भी शूट किया गया था अप्रैल मई के महीने में फिल्म को इंडिया के कई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर शूट किया गया था और उसके बाद में माधवन के जो यंगर वर्ज़न है से विदाउट बी वाला वो सभी चीज़ें भी इंडिया में शूट की गई थी 2019 मई के समय अप्रैल मई के समय उसके बाद में फिल्म को फा फ्रांस और सर्बिया में शूट किया गया था जहाँ पे जून 2019 में सर्बिया में फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे फॉरेन एक्टर्स को लेकर फाइनल शेड्यूल वहाँ पे सेट किया गया था और फिल्म को करीबन कंप्लीट करने के लिए चवालीस दिन लगे थे टोटल शूटिंग का टाइम है पोस्ट प्रोडक्शन जुलाई दो से स्टार्ट किया गया था जहाँ पे म्यूजिक का डिपार्टमेंट सी ने संभाला हुआ था जहाँ पे मिड अक्टूबर दो तक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया था अप्रैल 2020 सॉरी अगस्त 2020 में माधवन ने रिवील किया हुआ था कि वो फिल्म के फाइनल स्टेज पे पहुंच गए बस 15-20 दिन और बचे हैं कि फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी मिक्सिंग मास्टरिंग सभी चीजें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में डिजिटल इंटरमीडिएट का, का काम स्टार्ट किया जाएगा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के दो गाने जहाँ पे एक एंड इट्स हर्ट्स दूसरा गाना है थ्रू थिक एंड थिन ये तो गाने इंग्लिश वर्जन के लिए वही दो गान हिंदी वर्जन के लिए बहने दो और आसमाए तमिल वर्जन के लिए पेरूवली और इनकन तो इन दो तो दो तो गानों को अलग अलग वजन के लिए रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे म्यूजिक सेम सी एस ने दिया हुआ है और तमिल वर्जन के लिए जो लिरिक्स है वो नम्बी नारायण ने लिखे हुए दोनों गाने के म्यूजिक की बात करें तो नेट कॉर्नल और बिली डाउसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी ने किया हुआ है बाकी ये सभी गाने इन दोनों म्यूजिक आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए सिंगर है टेरेली डेवी और बिली डेवसन इंग्लिश वर्जन के लिए हिंदी वर्जन के लिए आदित्य थे दोनों गानों के लिए तमिल वर्जन के लिए भी उन्होंने ही गाया हुआ है तो इस तरह से इन म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम काम किया गया था जहाँ पे सभी फिल्म के गाने आप यूट्यूब पे ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो फिल्म की मार्केटिंग अच्छी खासे लेवल पे की गई थी लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन्ड हो रही थी जिसके चलते फिल्म की मार्केटिंग फ़िलहाल में जीरो बस के साथ रुकी हुई है इस फिल्म को उन्नीस मई दो में दो के नस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे माधवन जो फिल्म के डायरेक्टर है और नम्बी नारायण दोनों उस स्क्रीन को अटेंड किया हुआ था इसके बाद कई अलग अलग, अलग जगह पे फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जहाँ पे 12 दिन का एक टूर था यूएस में जहाँ पे यूएस के न्यूयॉर्क शिकागो होस्टेली दलास इराजो लॉस एंजल्स सैन फ्रांसिस्को सीटल वहीं सभी लोकेसन के ऊपर अर्ली जून ट्वेंटी में इस फिल्म की सभी स्क्रीनिंग रखी गई थी तो इस तरह से फिल्म की स्क्रीनिंग पहले ही रिलीज से पहले करवा दी गई थी जहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला जहाँ पे फिल्म को आई पे भी करीबन आठ चार की रेटिंग मिली हुई जितनी भी स्क्रीनिंग हुई है उसमें से जहाँ पे तीन सौ अड़तीस वोट मिले हुए तो आठ पॉइंट पाँच की रेटिंग तीन सौ अड़तीस वोट में काफी अच्छी रेटिंग है हाँ, फिलहाल में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करना बाकी है इंडिया में रिलीज करना बाकी है वर्ल्ड वाइड थिएटर में फिल्म एक जुलाई दो हजार बाईस को आने वाली है जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है एक सौ तीस मिनट का रन टाइम है इस फिल्म को पहले इस टाइम पे रिलीज नहीं करने वाले थे सेप्टेम्बर दो हजार इक्कीस में बताया गया था कि ये फिल्म आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलने वाली है लेकिन जिस तरह से कोविड नाइन्टीन आया ओमिक्रॉन वायरस आया जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली जो फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई जो थिएट्रिकल रिलीज़ है उसके एक साल बाद फिल्म के फाइनली रिलीज डेट अनाउंस की गई कि ये फिल्म छः लैंग्वेजेस में जैसे कि इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा में एक अप्रैल 2022 से देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन किया गया फरवरी में बताया गया कि ये फिल्म अब फाइनली एक जुलाई 2022 को देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए फिल्म की डेट चेंज करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर डिटेलिंग नहीं दिए हुए लेकिन अभी इनिशियली रिलीज डेट वही फिक्स है जहाँ पे मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है कि ये फिल्म फिक्स एक जुलाई 2022 को इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा वर्जन में देखने को मिलेगी तो अब देखते हैं कि ये फिल्म किस लेवल पे प्रमोट की जाती है इसके अलावा फिल्म का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग है फिल्म देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है ट्रेलर फिल्म का काफ़ी बढ़िया तरीके से कट आउट किया हुआ है लेकिन फिल्म का प्रमोशन प्रॉपर नहीं है यू एफ इस फिल्म को हिंदी वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जो वैसे फिल्म को बढ़िया रिलीज करवाने के लिए सक्सेसफुल नहीं मानी जाती है तो अब देखते हैं कि फिल्म का प्रमोशन किस करते फिल्म को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है अब हम बात करें इस फिल्म के सैटेलाइट ओटीटी राइट्स के ऊपर तो जहां तक पता चला हुआ तो है तक फिल्म के ओटीटी राइट्स टी अमेजोन प्राइम वीडियो के पास है वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट शायद सोनी मैक्स के पास है अब देख कि इसमें कितनी सच्चाई अगर ये दोनों प्लेटफॉर्म सही हैं तो ये फिल्म आपको थिएटिकल रिलीज़ के करीबन एक डेढ़ महीने के बाद ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम मीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ये फिल्म आपको इंग्लिश तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में यानी कि टोटल छः वर्जन में देखने को मिलेगी इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स अगर सोनी मिक्स के पास है या कोई और भी प्लेटफॉर्म के पास है या कोई और चैनल के पास है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के चार पाँच महीने के बाद सैटेलाइट चैनल सोनी मिक्स या दूसरे कोई भी सैटेलाइट चैनल जिसके पास इस फिल्म के राइट्स है वहाँ पर बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ओ टी टी प्लेटफॉर्म वहीं पर सेटेलाइट चैनल सोनी मिक्स या दूसरे कोई भी चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट जो 2022 की इंडियन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जहां पर फिल्म की कहानी नम्बी नारायण नाम के एक फॉर्मर साइंटिस्ट है उनके ऊपर बेस्ड है जो एक एरोस्पेस इंजीनियर भी थे जिन्होंने आई एस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर उनको एक चीज़ के ऊपर एक किया गया था वो क्या है वही फिल्म की कहानी बनाती है इसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो महारत हासिल की हुई थी उसके बाद में उन्होंने उन सभी चीज़ों के लिए कितनी फाइट की हुई थी वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है तो ये कुछ रफली स्टोरी आइडिया है जहाँ पे इस कहानी को नम्बी नारायण के बचपन से लेकर जहाँ तक उन्होंने ये सभी चीज़ों की मुसीबतें सही हुई है वहाँ तक पूरी फिल्म की कहानी हमारे सामने पेश की जाएगी इस फिल्म का जो टोनर है वो बायोग्राफिकल ड्रामा है जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे आपको रियल इंसिडेंट देखने को मिलेंगे नंबी नारायण के कैरेक्टर के इर्द गिर्द इस फिल्म का स्टोरी आइडिया वो आर माधवन ने लिखा हुआ है जो फिल्म के एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया लिखा हुआ है स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायलॉग और फिल्म का डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ है इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात करें तो आर माधवन सिमरन राजित कपूर और रवि राघवेंद्र आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे मुरलीधरन मिसा घोषाल श्याम रेगनाथन कार्तिक कुमार गुलशन ग्रोवर दिनेश प्रभाकर मोहन रमन रॉन डोनची फिलिस लोगन विंसेंट रियोटी श्री राम परथसारथी बिजोई थंगरम जगन राजीव रविंद्रनाथन सेम मोहनन बावसिल शाहरुख खान का एक गेस्ट अपीरियंस है हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का आपको गेस्ट अपीरियंस देखने को मिलेगा तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सरिता माधवन आर माधवन वर्गीज मूलान विजय मूलान तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने ट्राई कलर फिल्म वर्गीज मुलान पिक्चर्स और ट्वेंटी सेवंथ एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यूएफ ओ मूवीज ने हिंदी वर्जन के लिए रेड जायंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए यस राज फिल्म फार्स फिल्म कंपनी ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो फिल्म के साथ काफी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया है वहीं पे फिल्म का रन टाइम है 130 मिनट यानी कि दो घंटे 10 मिनट का ये फिल्म आपको देखने को मिलेगा यू सर्टिफिकेट है इसका मतलब कि ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस देख सकती है जहाँ पे नम्बी नारायण की बायोग्राफी को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे आर माधवन ने उतारा हुआ है उनका स्टोरी एरिया काफी अच्छा था उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है टीजर ट्रेलर में बखूबी काफी बेहतरीन नजर आ रहा है फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है जो गाने सुनने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग है सेम सी का बैकग्राउंड स्कोर है वो काफी इंप्रेसिव वे में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी सीरीसा रे ने की हुई है जिन्होंने काफ़ी बेस्ट पॉसिबल वे में इस किरदार को यानी कि नंबी नारायण के किरदार को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है फिल्म का जो टोन था फिल्म का जो एक्चुअल मूड था उसको अच्छी तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है फिल्म का जो रियलिटी ड्रामा है उन्होंने बेहतरीन वे में कैप्चर करके दिखाया हुआ है फिल्म का वे इफेक्ट्स अच्छा है इसके अलावा कलर टोन है इसका इसके अलावा लाइटनिंग है वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किए हुए है फिल्म की जो साउंड इफेक्ट है फोली है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें ऐड किया हुए जो एक नेचुरल वाइब देती है इसके अलावा फिल्म के एडिटर की तारीफ करनी पड़ेगी बिचित बाला की जिन्होंने सिर्फ एक मिनट में काफी सारी चीजें हमारे सामने पेश किए हुए नंबी नारायण का किरदार काफी क्रिस्प और एंगेजिंग मैनर में पेश करके दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग है वो फिल्म के हाईलाइट है फिल्म को काफ़ी बेहतर वे में सपोर्ट करता है फिल्म का जो एक मोटिवेट टाइप का मूड होना चाहिए वो हम इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू महसूस करते हैं फिल्म के सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था नंबी नारायण के किरदार को आर माधवन जी ने जिस तरह से अपने एक्टिंग के थ्रू पर्दे पर उतारा हुआ है उनका वो किरदार में वो झच रहे थे उनका डायरेक्शन है उनका जो स्टोरी आइडिया है उनका जो स्क्रीन प्ले वो काफी बढ़िया तरीके से हमारे सामने एंगेजिंग मैनर में दिखाने में कामयाब रहे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी खासी है अच्छे बजट में बनाया गया है जिसकी वजह से फिल्म के वेफेक्ट भी काफी बढ़िया थे फिल्म का जो एक आ, आर्ट डायरेक्शन के लिए या फिल्म के हर एक फ्रेम के लिए वो काफी बढ़िया तरीके से अच्छा आउटपुट निकाला हुआ है इस फिल्म को काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल पे रिलीज किया हुआ है जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की गई है तो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो आर माधवन आपको नंबी नारायण के रोल में दिखाई देंगे सिमरन ने मीना नारायण का रोल प्ले किया हुआ है रजित कपूर आपको विक्रम साराभाई के रोल में दिखाई देंगे जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन के लिए उन्होंने वो रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन के लिए रवि राघवेंद्र ने विक्रम साराभाई का रोल प्ले किया हुआ है मुरलीधरन आपको अरुणन के रोल में दिखाई देंगे मिसा घोषाल आपको गीता नारायण के रोल में दिखाई देंगे नाथन ने नारायण का रोल प्ले किया हुआ है कुमार ने पीएम नयन का रोल प्ले किया हुआ है गुलशन ग्रोवर ने एपीजे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है दिनेश प्रभाकर ने एलडी गोपाल का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने उडुपी रामचंद्र राव का रोल प्ले किया हुआ है रोन डोनाल्ड ची ने कन्नल क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है फिलिप स्लोगन ने मिस्टर क्लेवर मिस क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है विंसेंट रियोटा ने लुजी क्रोको का रोल प्ले किया हुआ है श्री राम पार्थ स्वामी में बेरी अमल देव का रोल प्ले किया हुआ है हैंगजम ने स्टूडियो फिल्म पर्सनल का रोल प्ले किया हुआ है जगन ने एक साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है राजीव रविन्द्र नाथन ने परम का रोल प्ले किया हुआ है सेम मोहन ने उन्नी का रोल प्ले किया हुआ है पावसिल ने सरताज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा शाहरुख खान का एक गेस्ट ऑफिस

जहाँ पे अनंत महादेवन इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे तो उसके बाद में फिल्म के ऊपर उतनी कुछ खास बातें सामने नहीं आई नंबी नारायण के किरदार के ऊपर वो इस फिल्म को बनाने वाले थे धीरे धीरे पता चला कि नंबी नारायण का किरदार मोहनलाल प्ले करने वाले वहीं पे बाद में काफ़ी सारे चेंजेस के बाद हमें पता चला कि ये फिल्म को आगे बढ़ाने वाले है माधवन जो इस फिल्म का एक्चुअल स्टोरी आइडिया लेके आए हुए थे वो अप्रैल 2017 तक आर माधवन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इस फिल्म का नाम रॉकेटरी द नंबी फेक होने वाला है जहाँ पे इस फिल्म के कहानी में जो डिरेक्शन है वो उनका रहने वाला स्टोरी आइडिया वो सभी चीज़ें वो क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा स्टोरी दिखाने वाले एक अनसंग हीरो के बारे में जहाँ पे वो एक स्पोर्टमैन भी नहीं है ना कोई एक्टर है बाद में उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो किरदार है नम्बी नारायण का तो अब उनकी किरदार के ऊपर पूरी चीज़ें दिखाने वाले हैं उनके पास जो एक फॉल्स चार्ज लगे हुए लिगे लगे हुए थे स्पिनर नैचे के लिए तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म किस कहानी करने वाले हैं जहाँ पे उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम कर दिया है फिल्म का रेगुलर शूट जल्दी स्टार्ट होने वाला है उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग को 2019 में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 4 जनवरी 2019 में मुंबई में स्टार्ट की गई थी एक मल्टी लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन तीन लैंग्वेजेस में शूट किया गया था इंग्लिश हिंदी तमिल तो एक ही सीन को तीन बार शूट किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन के लिए थोड़े डिफरेंट एक्टर्स भी यूज़ किए हुए थे फिल्म की शूटिंग काफ़ी लंबी चली थी क्योंकि एक ही सीन को तीन बार शूट करना तो हर एक शेड्यूल काफ़ी लंबा जा रहा था इसके चलते फिल्म को बनाने में काफी समय लगा जहाँ पे जिस तरह से रा आरमाधवन के अलग अलग सेट्स दिखाए हुए अलग अलग टाइम ट्रैवल अलग अलग टाइम के किरदार में दिखाया हुआ है तो चौदह कलाक लगते थे उनको चौदह घंटे जहाँ पे उनका एक प्रोस्थेटिक मेकअप क्रिएट किया जाता था उसके बाद में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है जहाँ पे सिमरन ने सेट को जोइंड काफ़ी लेट किया हुआ था जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है वहीं पे सूर्या शाहरुख खान का एक कैमरा पेरेंस था जहाँ पे उन्होंने अपने रिस्पेक्टेड लैंग्वेजेस में शूट किया हुआ है इसके अलावा इसके लिए उन्होंने कोई भी फीस चार्ज नहीं की हुई थी दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट है उन्होंने आगे के वर्ज़न फिल्म के अलग अलग वर्जन के लिए काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जनवरी 2019 में जॉर्जिया और रशिया में भी शूट किया गया था अप्रैल मई के महीने में फ़िल्म को इंडिया के कई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर शूट किया गया था और उसके बाद में माधवन के जो यंगर वर्ज़न है से विदाउट बियड वाला वो सभी चीज़ें भी इंडिया में शूट की गई थी 2019 हज़ार मई के समय अप्रैल मई के समय उसके बाद में फिल्म को फा फ्रांस और सर्बिया में शूट किया गया था जहाँ पे जून 2019 में सर्बिया में फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे फॉरेन एक्टर्स को लेकर फाइनल शेड्यूल वहाँ पे सेट किया गया था और फिल्म को करीबन कंप्लीट करने के लिए चवालीस दिन लगे थे टोटल शूटिंग का टाइम है पोस्ट प्रोडक्शन जुलाई दो से स्टार्ट किया गया था जहाँ पे म्यूजिक का डिपार्टमेंट सी ने संभाला हुआ था जहाँ पे मिड अक्टूबर दो तक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया था अप्रैल 2020 सॉरी अगस्त 2020 में माधोर ने रिवील किया हुआ था कि वो फिल्म के फाइनल स्टेज पे पहुंच गए बस 15-20 दिन और बचे हैं कि फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी मिक्सिंग मास्टरिंग सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में डिजिटल इंटरमीडिएट का काम स्टार्ट किया जाएगा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के दो गाने जहाँ पे एक है एंड इट्स हर्ट्स दूसरा गाना है थ्रू थिक एंड थिन ये गाने इंग्लिश वर्जन के लिए वही दो गान हिंदी वर्जन के लिए बहने दो और आसमा तमिल वजन के लिए पेरूवली और इनकन तो इन दो तो दो तो गानों को अलग अलग वजन के लिए रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे म्यूजिक से एम सी एस ने दिया हुआ है और तमिल वर्जन के लिए जो लिरिक्स है वो नम्बी नारायण ने लिखे हुए दोनों गाने के म्यूजिक की बात करें तो नेट और बिली डाउसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड वो सेम ने किया हुआ है बाकी ये सभी गाने इन दोनों म्यूजिक आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए सिंगर है टेरेली डेवी और बिली डेवसन इंग्लिश वर्जन के लिए हिंदी वर्जन के लिए आदित्य थे दोनों गानों के लिए तमिल वर्जन के लिए भी उन्होंने ही गाया हुआ है तो इस तरह से इन म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम काम किया गया था जहाँ पे सभी फिल्म के गाने आप यूट्यूब पे ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो फिल्म की मार्केटिंग अच्छी खासे लेवल पे की गई थी लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन हो रही थी जिसके चलते फिल्म की मार्केटिंग फ़िलहाल में जीरो बस के साथ रुकी हुई है इस फिल्म को उन्नीस मई दो में दो के नस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे माधवन जो फिल्म के डायरेक्टर है और नम्बी नारायण दोनों उस स्क्रीन को अटेंड किया हुआ था इसके बाद कई अलग अलग, अलग जगह पे फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जहाँ पे 12 दिन का एक टूर था यूएस में जहाँ पे यूएस के न्यूयॉर्क शिकागो हॉस्टली दलास इराजो लॉस एंजल्स सैन फ्रांसिस्को सिटल वहीं सभी लोकेसन के ऊपर अर्ली जून ट्वेंटी में इस फिल्म की सभी स्क्रीनिंग रखी गई थी तो इस तरह से फिल्म की स्क्रीनिंग पहले ही रिलीज से पहले करवा दी गई थी जहाँ पे काफी बढ़िया रिस्पांस मिला जहाँ पे फिल्म को आईएमडीबी पे भी करीबन आठ पॉइंट चार की रेटिंग मिली हुई है जितनी भी स्क्रीनिंग हुई है उसमें से जहाँ पे तीन सौ अड़तीस वोट मिले हुए तो आठ पॉइंट पाँच की रेटिंग तीन सौ अड़तीस वोट में काफ़ी अच्छी रेटिंग है हाँ फिलहाल में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज़ करना बाकी है इंडिया में रिलीज करना बाकी है वर्ल्ड वाइड थिएटर में फिल्म एक जुलाई दो हजार बाईस को आने वाली है जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है एक सौ तीस मिनट का रन टाइम है इस फिल्म को पहले इस टाइम पर रिलीज नहीं करने वाले थे सेप्टेम्बर दो हजार इक्कीस में बताया गया था कि ये फिल्म आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलने वाली है लेकिन जिस तरह से कोविड नाइन्टीन आया ओमिक्रॉन वायरस आया जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली जो फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई जो थिएट्रिकल रिलीज़ है उसके एक साल बाद फिल्म के फाइनली रिलीज डेट अनाउंस की गई कि ये फिल्म छः लैंग्वेजेज़ में जैसे कि इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम कन्नडा में एक अप्रैल 2022 से देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन किया गया फरवरी में बताया गया कि ये फिल्म अब फाइनली एक जुलाई 2022 को देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए फिल्म की डेट चेंज करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर डिटेलिंग नहीं दिए हुए लेकिन अभी इनिशियली रिलीज डेट वही फिक्स है जहाँ पे मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है कि ये फिल्म फिक्स एक जुलाई 2022 को इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगी तो अब देखते हैं कि ये फिल्म किस लेवल पे प्रमोट की जाती है इसके अलावा फिल्म का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है फिल्म देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है ट्रेलर फिल्म का काफ़ी बढ़िया तरीके से कटआउट किया हुआ है लेकिन फिल्म का प्रमोशन प्रॉपर नहीं है यू एफ इस फिल्म को हिंदी वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जो वैसे फिल्म को बढ़िया रिलीज करवाने के लिए सक्सेसफुल नहीं मानी जाती है तो अब देखते हैं कि फिल्म का प्रमोशन किस तरह करते फिल्म को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है अब हम बात करें इस फिल्म के सैटेलाइट ओटीटी राइट्स के ऊपर तो जहां तक पता चला हुआ है तो तक फिल्म के ओटीटी राइट्स टी प्राइम वीडियो के पास है वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट शायद सोनी मैक्स के पास है अब देखते कि इसमें कितनी सच्चाई है अगर ये दोनों प्लेटफॉर्म सही हैं तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के करीबन एक डेढ़ महीने के बाद ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ये फिल्म आपको इंग्लिश तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में यानी कि टोटल छः वर्ज़न में देखने को मिलेगी इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स अगर सोनी मिक्स के पास है या कोई और भी प्लेटफॉर्म के पास है या कोई और चैनल के पास है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के चार पाँच महीने के बाद सैटेलाइट चैनल सोनी मिक्स या दूसरे कोई भी सैटेलाइट चैनल जिसके पास इस फिल्म के राइट्स है वहाँ पर बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ओ टी टी प्लेटफॉर्म वहीं पर सैटेलाइट चैनल सोनी मिक्स या दूसरे कोई भी चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट जो 2022 की इंडियन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म की कहानी नम्बी नारायण नाम के एक फॉर्मर साइंटिस्ट है उनके ऊपर बेस्ड है जो एक एरोस्पेस इंजीनियर भी थे जिन्होंने आई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे उनको एक चीज़ के ऊपर एक किया गया था वो क्या है वही फिल्म की कहानी बनाती है इसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो महारत हासिल की हुई थी उसके बाद में उन्होंने उन सभी चीज़ों के लिए कितनी फाइट की हुई थी वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है तो ये कुछ रफली स्टोरी आइडिया है जहाँ पे इस कहानी को नम्बी नारायण के बचपन से लेकर जहाँ तक उन्होंने ये सभी चीज़ों की मुसीबतें सही हुई है वहाँ तक पूरी फिल्म की कहानी हमारे सामने पेश की जाएगी इस फिल्म का जो टोनर जो है वो बायोग्राफिकल ड्रामा है जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे आपको रियल

वहीं पे मुरलीधरन मिसा घोषाल श्याम रेगनाथन कार्तिक कुमार गुलशन ग्रोवर दिनेश प्रभाकर मोहन रमन रोन डोनची फिलिस लोगन विंसेंट रियोटी श्री राम पर बिजो थ जगन राजीव रविंद्रनाथन से मोहनन बावसिल शाहरुख खान का एक गेस्ट अपीरेंस है हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का आपको गेस्ट अपीरेंस देखने को मिलेगा तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सरिता माधवन आर माधवन फर्कीस मूलान विजय मूलान तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने कलर वर्गिस पिक्चर्स और ट्वेंटी सेवंथ एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यूएफओ मूवीज ने हिंदी वर्जन के लिए रेड जायंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए राज फिल्म फार्स फिल्म कंपनी ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो फिल्म के साथ काफी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूज सर्टिफिकेट दिया गया है वहीं पे फिल्म का रन टाइम है 130 मिनट यानी कि दो घंटे 10 मिनट का ये फिल्म आपको देखने को मिलेगा यू सर्टिफिकेट है इसका मतलब कि ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस देख सकती है जहाँ पे नम्बी नारायण की बायोग्राफी को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे आर माध्वन ने उतारा हुआ है उनका स्टोरी एरिया काफी अच्छा था उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने इम्पलीपेट किया हुआ है वो टीजर ट्रेलर में बखू भी काफी बेहतरीन नजर आ रहा है फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है जो गाने सुनने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है सेम सी एस का बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी इंप्रेसिव वे में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी सिरीसा रे ने की हुई है जिन्होंने काफ़ी बेस्ट पॉसिबल वे में इस किरदार को यानी कि नंबी नारायण के किरदार को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है फिल्म का जो टोन था फिल्म का जो एक्चुअल मूड था उसको अच्छी तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है फिल्म का जो रियलिटी ड्रामा है उन्होंने बेहतरीन वे में कैप्चर करके दिखाया हुआ है फिल्म का वे इफेक्ट अच्छा है इसके अलावा कलर टोन है इसका इसके अलावा लाइटनिंग है वो सभी चीजें फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से यूज किए हुए फिल्म की जो साउंड इफेक्ट है फोली है वो काफी बढ़िया तरीके से इसमें एड किए हुए हैं जो एक नेचुरल वाइब देती है इसके अलावा फिल्म के एडिटर की तारीफ करनी पड़ेगी बिजीत बाला की जिन्होंने सिर्फ एक मिनट में काफ़ी सारी चीजें हमारे सामने पेश किए हुए नम्बी नारायण का किरदार काफी क्रिस्प और एंगेजिंग मैनर में पेश करके दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग है वो फिल्म के हाईलाइट है फिल्म को काफ़ी बेहतर वे में सपोर्ट करता है फिल्म का जो एक मोटिवेट टाइप का मूड होना चाहिए वो हम इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू महसूस करते हैं फिल्म के सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था नंबी नारायण के किरदार को आर माधवन जी ने जिस तरह से अपने एक्टिंग के थ्रू पर्दे पर उतारा हुआ है उनका वो किरदार में वो जच रहे थे उनका डायरेक्शन है उनका जो स्टोरी आइडिया है उनका जो स्क्रीन प्ले वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे सामने एंगेजिंग मैनर में दिखाने में कामयाब रहे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी है अच्छे बजट में बनाया गया है जिसकी वजह से फिल्म के वेफेक्स भी काफ़ी बढ़िया थे फिल्म का जो एक आर्ट डायरेक्शन के लिए या फिल्म के हर एक फ्रेम के लिए वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा आउटपुट निकाला हुआ है इस फिल्म को काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल पे रिलीज किया हुआ है जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की गई है तो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो आर माधवन आपको नम्बी नारायण के रोल में दिखाई देंगे सिमरन ने मीना नारायण का रोल प्ले किया हुआ है रजित कपूर आपको विक्रम साराभाई के रोल में दिखाई देंगे जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन के लिए उन्होंने वो रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन के लिए रवि राघवेंद्र ने विक्रम साराभाई का रोल प्ले किया हुआ है मुरलीधरन आपको अरुणन के रोल में दिखाई देंगे मिसा घोषाल आपको गीता नारायण के रोल में दिखाई देंगे श्याम रेंगनाथन नाथन ने शंकर नारायण का रोल प्ले किया हुआ है कुमार ने पी नयन का रोल प्ले किया हुआ है गुलशन ग्रोवर ने एपीजे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है दिनेश प्रभाकर ने एलडी गोपाल का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने उडुपी रामचंद्र राव का रोल प्ले किया हुआ है रोन डोनाल्ड ची ने कन्नल क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है फिलिप स्लोगन ने मिस्टर क्लेवर मिस क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है विंसेंट रियोटा ने ल्यूजी क्रोको का रोल प्ले किया हुआ है श्री राम पार्थ स्वामी में बेरी अमल देव का रोल प्ले किया हुआ है बीजुआई थंगजम ने स्टूडियो फिर पर्सनल का रोल प्ले किया हुआ है जगन ने एक साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है राजीव रविंद्रनाथन ने परम का रोल प्ले किया हुआ है सेम मोहन ने उन्नी का रोल प्ले किया हुआ है पावसिल ने सरताज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा शाहरुख खान का एक गेस्ट ियंस देखने को मिलेगा हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पे तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का गेस्ट अपीरियंस देखने को मिलेगा इस फिल्म को टोटल पांच लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है जहाँ पे इंग्लिश तमिल हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को सेमेंटेस्टली शूट किया हुआ है वहीं पे मलयालम कन्नड़ा और तेलुगु वर्जन में फिल्म को डब किया गया है यानी कि यह फिल्म टोटल छ लैंग्वेज में आपको पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगी इस फिल्म के स्टोरी आइडिया डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ये फिल्म 2012 में सितंबर में अनाउंस की गई थी जहाँ पे अनंत महादेवन इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे तो उसके बाद में फिल्म के ऊपर उतनी कुछ खास बातें सामने नहीं आई नंबी नारायण के किरदार के ऊपर वो इस फिल्म को बनाने वाले थे धीरे धीरे पता चला कि नंबी नारायण का किरदार मोहनलाल प्ले करने वाले वहीं पे बाद में काफ़ी सारे चेंजेस के बाद हमें पता चला कि ये फिल्म को आगे बढ़ाने वाले है माधवन जो इस फिल्म का एक्चुअल स्टोरी आइडिया लेके आए हुए थे वो अप्रैल 2017 तक आर माधवन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इस फिल्म का नाम रॉकेटरी द नंबी फेक होने वाला है जहाँ पे इस फिल्म के कहानी में जो डिरेक्शन है वो उनका रहने वाला स्टोरी आइडिया वो सभी चीज़ें वो क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी दिखाने वाले एक अनसंग हीरो के बारे में जहाँ पे वो एक स्पोर्टमैन भी नहीं है ना कोई एक्टर है बाद में उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो किरदार है नम्बी नारायण का तो अब उनकी किरदार के ऊपर पूरी चीज़ें दिखाने वाले हैं उनके पास जो एक फॉल्स चार्ज लगे हुए लिगे लगे हुए थे स्पिनोर नैचे के लिए तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की इस कहानी करने वाले हैं जहाँ पे उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम कर दिया है फिल्म का रेगुलर शूट जल्दी स्टार्ट होने वाला है उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग को दो हज़ार उन्नीस में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी चार जनवरी दो हजार उन्नीस में मुंबई में स्टार्ट की गई थी एक मल्टी लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन तीन लैंग्वेजेस में शूट किया गया था इंग्लिश हिंदी तमिल तो एक ही सीन को तीन बार शूट किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन के लिए थोड़े डिफरेंट एक्टर्स भी यूज किए हुए थे फिल्म की शूटिंग काफ़ी लंबी चली थी क्योंकि एक ही सीन को तीन बार शूट करना तो हर एक सीडियल काफ़ी लंबा जा रहा था इसके चलते फिल्म को बनाने में काफी समय लगा जहां पे जिस तरह से आर आरमाजन के अलग अलग सेट्स दिखाए हुए अलग अलग टाइम ट्रैवल अलग अलग टाइम के किरदार में दिखाया हुआ है तो चौदह कलाक लगते थे उनको चौदह घंटे जहाँ पे उनका एक प्रोस्थेटिक मेकअप क्रिएट किया जाता था उसके बाद में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है जहाँ पे सिमरन ने सेट को जो है काफ़ी लेट किया हुआ था जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है वहीं पर सूर्या शाहरुख खान का एक कैमियापीरेंस था जहाँ पर उन्होंने अपने रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में शूट किया हुआ है इसके अलावा इसके लिए उन्होंने कोई भी फीस चार्ज नहीं की हुई थी दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट है उन्होंने आगे के वर्ज़न फिल्म के अलग अलग वर्जन के लिए काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जनवरी 2019 में जॉर्जिया और रशिया में भी शूट किया गया था अप्रैल मई के महीने में फिल्म को इंडिया के कई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर शूट किया गया था और उसके बाद में माधवन के जो यंगर वर्जन है से विदाउट बी वाला वो सभी चीज़ें भी इंडिया में शूट की गई थी 2019 में के समय अप्रैल मई के समय उसके बाद में फिल्म को फा फ्रांस और सर्बिया में शूट किया गया था जहाँ पे जून 2019 में सर्बिया में फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे फॉरेन एक्टर्स को लेकर फाइनल शेड्यूल वहाँ पे सेट किया गया था और फिल्म को करीबन कंप्लीट करने के लिए चवालीस दिन लगे थे टोटल शूटिंग का टाइम है पोस्ट प्रोडक्शन जुलाई दो से स्टार्ट किया गया था जहाँ पे म्यूजिक का डिपार्टमेंट सी ने संभाला हुआ था जहाँ पे मिड अक्टूबर दो तक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया था अप्रैल 2020 सॉरी अगस्त 2020 में माजोर ने रिवील किया हुआ था कि वो फिल्म के फाइनल स्टेज पे पहुंच गए बस 15-20 दिन और बचे कि फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी मिक्सिंग मास्टरिंग सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में डिजिटल इंटरमीडिएट का काम स्टार्ट किया जाएगा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के दो गाने जहाँ पे एक है एंड इट्स हर्ट्स दूसरा गाना है थ्रू थिक एंड थिन ये तो गाने इंग्लिश वर्जन के लिए वही दो गान हिंदी वर्जन के लिए बहने दो और आसमा तमिल वजन के लिए पेरूवली और इनकन मे तो इन दो तो दो गानों को अलग अलग वजन के लिए रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे म्यूजिक से एम सी एस ने दिया हुआ है और तमिल वर्जन के लिए जो लिरिक्स है वो नम्बी नारायण ने लिखे हुए दोनों गाने के म्यूजिक की बात करें तो नेट कॉर्नल और बिली डाउसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी ने किया हुआ है बाकी ये सभी गाने इन दोनों म्यूजिक आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए सिंगर है टेरेली डेवी और बिली डेवसन इंग्लिश वर्जन के लिए हिंदी वर्जन के लिए आदित्य थे दोनों गानों के लिए तमिल वर्जन के लिए भी उन्होंने ही गाया हुआ है तो इस तरह से इन म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सभी फिल्म के गाने आप यूट्यूब पे ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो फिल्म की मार्केटिंग अच्छी खासे लेवल पे की गई थी लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन हो रही थी जिसके चलते फिल्म की मार्केटिंग फ़िलहाल में जीरो बस के साथ रुकी हुई है इस फिल्म को उन्नीस मई दो में दो हज़ार के नस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे माधवन जो फिल्म के डायरेक्टर है और नम्बी नारायण दोनों उस स्क्रीन को अटेंड किया हुआ था इसके बाद कई अलग अलग, अलग जगह पे फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जहाँ पे 12 दिन का एक टूर था यूएस में जहाँ पे यूएस के न्यूयॉर्क शिकागो होस्टली डलास इराजो लॉस एंजल्स सैन फ्रांसिस्को सिटल वहीं सभी लोकेसन के ऊपर अर्ली जून ट्वेंटी में इस फिल्म की सभी स्क्रीनिंग रखी गई थी तो इस तरह से फिल्म की स्क्रीनिंग पहले ही रिलीज से पहले करवा दी गई थी जहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला जहाँ पे फिल्म को आई पे भी, भी, भी करीबन आठ पॉइंट चार की रेटिंग मिली हुई है जितनी भी स्क्रीनिंग हुई है उसमें से जहाँ पे तीन सौ अड़तीस वोट मिले हुए तो पाँच की रेटिंग वोट में काफी अच्छी रेटिंग है हाँ, फिलहाल में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करना बाकी है इंडिया में रिलीज करना बाकी है वर्ल्ड वाइड थिएटर में फिल्म एक जुलाई दो हजार बाईस को आने वाली है जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है एक सौ तीस मिनट का रन टाइम है इस फिल्म को पहले इस टाइम पे रिलीज नहीं करने वाले थे सेप्टेम्बर दो हजार इक्कीस में बताया गया था कि ये फिल्म आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलने वाली है लेकिन जिस तरह से कोविड नाइन्टीन आया ओमिक्रॉन वायरस आया जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली जो फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई जो थिएट्रिकल रिलीज है उसके एक साल बाद फिल्म के फाइनली रिलीज डेट अनाउंस की गई कि ये फिल्म छह लैंग्वेजेस में जैसे कि इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा में एक अप्रैल 2022 से देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन किया गया फरवरी में बताया गया कि ये फिल्म अब फाइनली एक जुलाई दो को देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए फिल्म की डेट चेंज करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर डिटेलिंग नहीं दिए हुए लेकिन अभी इनिशियली रिलीज डेट वही फिक्स है जहाँ पे मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है कि ये फिल्म फिक्स एक जुलाई 2022 को इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा वर्जन में देखने को मिलेगी तो अब देखते हैं कि ये फिल्म किस लेवल पर प्रमोट की जाती है इसके अलावा फिल्म का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज्यादा प्रोमिसिंग है फिल्म देखने में काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है ट्रेलर फिल्म का काफी बढ़िया तरीके से कटआउट किया हुआ है लेकिन फिल्म का प्रमोशन प्रॉपर नहीं है यू एफ फिल्म को हिंदी डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जो वैसे फिल्म को बढ़िया रिलीज करवाने के लिए सक्सेसफुल नहीं मानी जाती है तो अब देखते हैं कि फिल्म का प्रमोशन किस तरह से करते हैं फिल्म को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है अब हम बात करें इस फिल्म के सैटेलाइट ओ राइट्स के ऊपर तो जहाँ तक पता चला हुआ है तो वहाँ तक फिल्म के ओ राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो के पास है वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स शायद सोनी मैक्स के पास है अब देखते कि इसमें कितनी सच्चाई है अगर ये दोनों प्लेटफॉर्म सही हैं तो ये फिल्म आपको थिएटिकल रिलीज़ के करीबन एक डेढ़ महीने के बाद ओ टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम मीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ये फिल्म आपको इंग्लिश तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में यानी कि टोटल छः वर्जन में देखने को मिलेगी इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स अगर सोनी मिक्स के पास है या कोई और भी प्लेटफॉर्म के पास है या कोई और चैनल के पास है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के चार पाँच महीने के बाद सैटेलाइट चैनल सोनी मिक्स या दूसरे कोई भी सैटेलाइट चैनल जिसके पास इस फिल्म के राइट्स है वहाँ पर बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप Video के ऊपर ओ टी टी प्लेटफॉर्म वहीं पे सैटेलाइट चैनल सोनी मिक्स या दूसरे कोई भी चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट जो 2022 की इंडियन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म की कहानी नंबी नारायण नाम के एक फॉर्मर साइंटिस्ट है उनके ऊपर बेस्ड है जो एक एरोस्पेस इंजीनियर भी थे जिन्होंने आई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे उनको एक चीज़ के ऊपर एक किया गया था वो क्या है वही फिल्म की कहानी बनाती है इसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो महारत हासिल की हुई थी उसके बाद में उन्होंने उन सभी चीज़ों के लिए कितनी फाइट की हुई थी वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है तो ये कुछ रफली स्टोरी आइडिया है जहाँ पे इस कहानी को नम्बी नारायण के बचपन से लेकर जहाँ तक उन्होंने ये सभी चीज़ों की मुसीबतें सही हुई है वहाँ तक पूरी फिल्म की कहानी हमारे सामने पेश की जाएगी इस फिल्म का जो जोनर है वो बायोग्राफिकल ड्रामा है जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी सारे आपको रियल

वहीं पे मुरलीधरन मिसा घोषाल श्याम रेगननाथन कार्तिक कुमार गुलशन ग्रोवर दिनेश प्रभाकर मोहन रमन रोन डोनची फिलिस लोगन विंसेंट रियोटी श्री राम पर बिजो थ जगन राजीव रविंद्रनाथन से मोहनन बावसिल शाहरुख खान का एक गेस्ट अपीरियंस है हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का आपको गेस्ट अपीरियंस देखने को मिलेगा तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सरिता माधवन आर माधवन फरकीस मूलान विजय मूलान तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने ट्राई कलर फिल्म वर्गिस मुलान पिक्चर्स और ट्वेंटी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यूएफओ मूवीज ने हिंदी वर्जन के लिए रेड जाइंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए यशराज फिल्म फार्स फिल्म्स कंपनी ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो फिल्म के साथ काफी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूज सर्टिफिकेट दिया गया है वहीं पे फिल्म का रन टाइम है 130 मिनट यानी कि दो घंटे 10 मिनट का ये फिल्म आपको देखने को मिलेगा यू सर्टिफिकेट है इसका मतलब कि ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस देख सकती है जहाँ पे नम्बी नारायण की बायोग्राफी को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे आर माध्यम ने उतारा हुआ है उनका स्टोरी आइडिया काफी अच्छा था उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने इम्पलीपेट किया हुआ है टीजर ट्रेलर में बखूबी काफी बेहतरीन नजर आ रहा है फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है जो गाने सुनने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है सेम सी एस का बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी इंप्रेसिव वे में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी सिरीसा रे ने की हुई है जिन्होंने काफ़ी बेस्ट पॉसिबल वे में इस किरदार को यानी कि नंबी नारायण के किरदार को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है फिल्म का जो टोन था फिल्म का जो एक्चुअल मूड था उसको अच्छी तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है फिल्म का जो रियलिटी ड्रामा है उन्होंने बेहतरीन वे में कैप्चर करके दिखाया हुआ है फिल्म का वे इफेक्स अच्छा है इसके अलावा कलर टोन है इसका इसके अलावा लाइटनिंग है वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किए हुए हैं फिल्म की जो साउंड इफेक्ट है फोली है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें ऐड किए हुए है जो एक नेचुरल वाइब देती है इसके अलावा फिल्म के एडिटर की तारीफ करनी पड़ेगी बिजित बाला की जिन्होंने सिर्फ एक मिनट में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने पेश किए हुए हैं नम्बी नारायण का किरदार काफ़ी क्रिस्प और एंगेजिंग मैनर में पेश करके दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग है वो फिल्म के हाईलाइट है फिल्म को काफ़ी बेहतर वे में सपोर्ट करता है फिल्म का जो एक मोटिवेट टाइप का मूड होना चाहिए वो हम इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू महसूस करते हैं फिल्म के सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा था नंबी नारायण के किरदार को आर माधवन जी ने जिस तरह से अपने एक्टिंग के थ्रू पर्दे पर उतारा हुआ है उनका वो किरदार में वो झच रहे थे उनका डायरेक्शन है उनका जो स्टोरी आइडिया है उनका जो स्क्रीन प्ले वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे सामने एंगेजिंग मैनर में दिखाने में कामयाब रहे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी है अच्छे बजट में बनाया गया है जिसकी वजह से फिल्म के वेफेक्स भी काफ़ी बढ़िया थे फिल्म का जो एक आर्ट डायरेक्शन के लिए या फिल्म के हर एक फ्रेम के लिए वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा आउटपुट निकाला हुआ है इस फिल्म को काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल पे रिलीज किया हुआ है जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की गई है तो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो आर माधवन आपको नंबी नारायण के रोल में दिखाई देंगे सिमरन ने मीना नारायण का रोल प्ले किया हुआ है रजित कपूर आपको विक्रम साराभाई के रोल में दिखाई देंगे जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन के लिए उन्होंने वो रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन के लिए रवि राघवेंद्र ने विक्रम सारा का रोल प्ले किया हुआ है मुरलीधरन आपको अरुणन के रोल में दिखाई देंगे मिसा घोषाल आपको गीता नारायण के रोल में दिखाई देंगे श्याम रेंग नाथन ने शंकर नारायण का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक <प्रस्थीच fire गाज्थियों> कुमार ने पीएम नयन का रोल प्ले किया हुआ है गुलशन ग्रोवर ने एपीजे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है दिनेश प्रभाकर ने एलडी गोपाल का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने उडुपी रामचंद्र राव का रोल प्ले किया हुआ है रोन डोनाल्ड ची ने कन्ल क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है ने मिस्टर क्लेवर मिस के क्लेवर का रो, रोल प्ले किया हुआ विंसेंट रियोटा ने लुइजी क्रोको का रोल प्ले किया हुआ श्री राम पार्थ स्वामी में बेरी अमलदेव का रोल प्ले किया हुआ है बीजोई थंगजम ने स्टूडियो फिल पर्सनल का रोल प्ले किया हुआ है जगन ने एक साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है राजीव रविंद्रनाथन ने परम का रोल प्ले किया हुआ है सेम मोहन ने उन्नी का रोल प्ले किया हुआ है पावसिल ने सरताज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा शाहरुख खान का एक गेस्ट अपीरस देखने को मिलेगा हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पे तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का गेस्ट अपीरियंस देखने को मिलेगा इस फिल्म को टोटल पांच लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है जहाँ पे इंग्लिश तमिल हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को सेमेंटेस्टली शूट किया हुआ है वहीं पे मलयालम कन्नड़ा और तेलगुअन में फिल्म को डब किया गया है यानी कि ये फिल्म टोटल लैंग्वेजेस में आपको पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगी इस फिल्म के स्टोरी आइडिया डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ये फिल्म 2012 में सितंबर में अनाउंस की गई थी जहां पे अनंत महादेवन इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे तो उसके बाद में फिल्म के ऊपर उतनी कुछ खास बातें सामने नहीं आई नंबी नारायण के किरदार के ऊपर वो इस फिल्म को बनाने वाले थे धीरे धीरे पता चला कि नंबी नारायण का किरदार मोहनलाल प्ले करने वाले वहीं पे बाद में काफ़ी सारे चेंजेस के बाद हमें पता चला कि ये फिल्म को आगे बढ़ाने वाले है आर माधवन जो इस फिल्म का एक्चुअल स्टोरी आइडिया लेके आए हुए थे वो अप्रैल 2017 तक आर माधवन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इस फिल्म का नाम रॉकेटरी द नंबी फेक होने वाला है जहाँ पे इस फिल्म के कहानी में जो डिरेक्शन है वो उनका रहने वाला स्टोरी आइडिया वो सभी चीज़ें वो क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी दिखाने वाले एक अनसंग हीरो के बारे में जहाँ पे वो एक स्पोर्टमैन भी नहीं है ना कोई एक्टर है बाद में उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो किरदार है नम्बी नारायण का तो अब उनकी किरदार के ऊपर पूरी चीज़ें दिखाने वाले हैं उनके पास जो एक फॉल्स चार्ज लगे हुए लिगे लगे हुए थे इस्पिनोनैजे के लिए तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की इस कहानी करने वाले जहाँ पे उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम कर दिया है फिल्म का रेगुलर शूट जल्दी स्टार्ट होने वाला है उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग को और दो में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 4 जनवरी 2019 में मुंबई में स्टार्ट की गई थी एक मल्टी लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन तीन लैंग्वेज में शूट किया गया था इंग्लिश हिंदी तमिल तो एक ही सीन को तीन बार शूट किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन के लिए थोड़े डिफरेंट एक्टर्स भी यूज किए हुए थे फिल्म की शूटिंग काफ़ी लंबी चली थी क्योंकि एक ही सीन को तीन बार शूट करना तो हर एक शेड्यूल काफ़ी लंबा जा रहा था इसके चलते फिल्म को बनाने में काफी समय लगा जहाँ पे जिस तरह से रा आरमाधवन के अलग अलग सेट्स दिखाए हुए अलग अलग टाइम ट्रैवल अलग अलग टाइम के किरदार में दिखाया हुआ है तो चौदह कलाक लगते थे उनको चौदह घंटे जहाँ पे उनका एक प्रोस्थेटिक मेकअप क्रिएट किया जाता था उसके बाद में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है जहाँ पे सिमरन ने सेट को जो है काफ़ी लेट किया हुआ था जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है वहीं पर सूर्या शाहरुख खान का एक कैमियो कैम्योपीरेंस था जहाँ पर उन्होंने अपने रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में शूट किया हुआ है इसके अलावा इसके लिए उन्होंने कोई भी फीस चार्ज नहीं की हुई थी दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट है उन्होंने आगे के वर्जन फिल्म के अलग अलग वर्जन के लिए काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जनवरी 2019 में जॉर्जिया और रशिया में भी शूट किया गया था अप्रैल मई के महीने में फिल्म को इंडिया के कई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे शूट किया गया था और उसके बाद में माधवन के जो यंगर वर्ज़न है से विदाउट बी वाला वो सभी चीज़ें भी इंडिया में शूट की गई थी 2019 में के समय अप्रैल मई के समय उसके बाद में फिल्म को फा फ्रांस और सर्बिया में शूट किया गया था जहाँ पे जून 2019 में सर्बिया में फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे फॉरेन एक्टर्स को लेकर फाइनल शेड्यूल वहाँ पे सेट किया गया था और फिल्म को करीबन कंप्लीट करने के लिए चवालीस दिन लगे थे टोटल शूटिंग का टाइम है पोस्ट प्रोडक्शन जुलाई दो से स्टार्ट किया गया था जहाँ पे म्यूजिक का डिपार्टमेंट सी ने संभाला हुआ था जहाँ पे मिड अक्टूबर दो तक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का पूरी तरह से कम्पली ट करवा दिया गया था अप्रैल 2020 सॉरी अगस्त 2020 में माधवन ने रिवील किया हुआ था कि वो फिल्म के फाइनल स्टेज पे पहुंच गए बस 15-20 दिन और बचे हैं कि फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी मिक्सिंग मास्टरिंग सभी चीजें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में डिजिटल इंटरमीडिएट का काम स्टार्ट किया जाएगा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के दो गाने जहाँ पे एक है एंड इट्स हर्ट्स दूसरा गाना है थ्रू थिक एंड थिन ये दो गाने इंग्लिश वर्जन के लिए वही दो गान हिंदी वर्जन के लिए बहने दो और आसमा है तमिल वर्जन के लिए पेरूवली और इनकन मन तो इन दो तो दो गानों को अलग अलग वजन के लिए रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे म्यूजिक सेम सी एस ने दिया हुआ है और तमिल वर्जन के लिए जो लिरिक्स है वो नम्बी नारायण ने लिखे हुए दोनों गाने के म्यूजिक की बात करें तो नेट कॉर्नल और बिली डाउसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी ने किया हुआ है बाकी ये सभी गाने इन दोनों म्यूजिक आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए सिंगर है टेरेली डेवी और बिली डेवसन इंग्लिश वर्जन के लिए हिंदी वर्जन के लिए आदित्य राव थे दोनों गानों के लिए तमिल वर्जन के लिए भी उन्होंने ही गाया हुआ है तो इस तरह से इन म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सभी फिल्म के गाने आप यूट्यूब पे ऑफिशियल बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो फिल्म की मार्केटिंग अच्छी खासी लेवल पे की गई थी लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन हो रही थी जिसके चलते फिल्म की मार्केटिंग फ़िलहाल में जीरो बस के साथ रुकी हुई है इस फिल्म को उन्नीस मई दो में दो हज़ार बाईस के नस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे माधवन जो फिल्म के डायरेक्टर है और नम्बी नारायण दोनों उस स्क्रीन को अटेंड किया हुआ था इसके बाद कहीं अलग अलग, अलग जगह पे फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जहाँ पे 12 दिन का एक टूर था यूएस में जहाँ पे यूएस के न्यूयॉर्क शिकागो हॉस्टेली दलास इराजो लॉस एंजल्स सैन फ्रांसिस्को सीटल वहीं सभी लोकेशन के ऊपर अर्ली जून ट्वेंटी में इस फिल्म की सभी स्क्रीनिंग रखी गई थी तो इस तरह से फिल्म की स्क्रीनिंग पहले ही रिलीज से पहले करवा दी गई थी जहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला जहाँ पे फिल्म को आई पे भी करीबन आठ पॉइंट चार की रेटिंग मिली हुई जितनी भी स्क्रीनिंग हुई है उसमें से जहाँ पे तीन सौ अड़तीस वोट मिले हुए तो पाँच की रेटिंग तीन सौ अड़तीस वोट में काफी अच्छी रेटिंग है हाँ, फिलहाल में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करना बाकी है इंडिया में रिलीज करना बाकी है वर्ल्ड वाइड थिएटर में फिल्म एक जुलाई दो हजार बाईस को आने वाली है जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है एक सौ तीस मिनट का रन टाइम है इस फिल्म को पहले इस टाइम पे रिलीज नहीं करने वाले थे सेप्टेम्बर दो हजार इक्कीस में बताया गया था कि ये फिल्म आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलने वाली है लेकिन जिस तरह से कोविड नाइन्टीन आया ओमिक्रॉन वायरस आया जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली जो फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई जो थिएट्रिकल रिलीज़ है उसके एक साल बाद फिल्म के फाइनली रिलीज़ डेट अनाउंस की गई कि ये फिल्म छह लैंग्वेजेस में जैसे कि इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम कन्नडा में एक अप्रैल 2022 से देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन किया गया फरवरी में बताया गया कि ये फिल्म अब फाइनली एक जुलाई 2022 को देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए फिल्म की डेट चेंज करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर डिटेलिंग नहीं दिए हुए लेकिन अभी इनिशियली रिलीज डेट वही फिक्स है जहाँ पे मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है कि ये फिल्म फिक्स एक जुलाई 2022 को इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगी तो अब देखते हैं कि ये फिल्म किस लेवल पर प्रमोट की जाती है इसके अलावा फिल्म का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग है फिल्म देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है ट्रेलर फिल्म का काफ़ी बढ़िया तरीके से कटआउट किया हुआ है लेकिन फिल्म का प्रमोशन प्रॉपर नहीं है यू एफ ओ इस फिल्म को हिंदी हजार में डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जो वैसे फिल्म को बढ़िया रिलीज करवाने के लिए सक्सेसफुल नहीं मानी जाती है तो अब देखते हैं कि फिल्म का प्रमोशन किस तरह से करते हैं फिल्म को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है अब हम बात करें इस फिल्म के सैटेलाइट ओटीटी राइट्स के ऊपर तो जहाँ तक पता चला हुआ है तो वहाँ तक फिल्म के ओटीटी राइट्स अमेजोन प्राइम मीडियो के पास है वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स शायद सोनी मैक्स के पास है अब देख कि इसमें कितनी सज्जाई अगर ये दोनों प्लेटफॉर्म सही हैं तो ये फिल्म आपको थिएटिकल रिलीज़ के करीबन एक डेढ़ महीने के बाद ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम मीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ये फिल्म आपको इंग्लिश तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में यानी कि टोटल छः वर्जन में देखने को मिलेगी इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स अगर सोनी मिक्स के पास है या कोई और भी प्लेटफॉर्म के पास है या कोई और चैनल के पास है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के चार पाँच महीने के बाद सैटेलाइट चैनल सोनी मिक्स या दूसरे कोई भी सैटेलाइट चैनल जिसके पास इस फिल्म के राइट्स है वहाँ पर बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ओ टी टी प्लेटफॉर्म वहीं पर सैटेलाइट चैनल सोनी मिक्स या दूसरे कोई भी चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट जो 2022 की इंडियन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे फिल्म की कहानी नंबी नारायण नाम के एक फॉर्मर साइंटिस्ट है उनके ऊपर बेस्ड है जो एक एरोस्पेस इंजीनियर भी थे जिन्होंने आई एस आर ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर उनको एक चीज़ के ऊपर एक किया गया था वो क्या है वही फ़िल्म की कहानी है इसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो महारत हासिल की हुई थी उसके बाद में उन्होंने उन सभी चीज़ों के लिए कितनी फाइट की हुई थी वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है तो ये कुछ रफली स्टोरी आइडिया है जहाँ पे इस कहानी को नम्बी नारायण के बचपन से लेकर जहाँ तक उन्होंने ये सभी चीज़ों की मुसीबतें सही हुई है वहाँ तक पूरी फिल्म की कहानी हमारे सामने पेश की जाएगी इस फिल्म का जो जोनर है वो बायोग्राफिकल ड्रामा है जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे आपको रियल

वहीं पे मुरलीधरन मिसा घोषाल श्याम रेगनाथन कार्तिक कुमार गुलशन ग्रोवर दिनेश प्रभाकर मोहन रमन रॉन डोनची फिलिस लोगन विंसेंट रियोटी श्री राम परथसारथी बिजो थम जगन राजीव रविंद्रनाथन सेम मोहनन बावसिल शाहरुख खान का एक गेस्ट अपीरियंस है हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का आपको गेस्ट अपीरियंस देखने को मिलेगा तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सरिता माधवन आर माधवन वर्गीज मूलान विजय मूलान तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने ट्राई कलर फिल्म वर्गीज मूलान पिक्चर्स और ट्वेंटी सेवंथ एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यू एफ मूवीज ने हिंदी वर्जन के लिए रेड जायंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए यस राज फिल्म फार्स फिल्म्स कंपनी ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो फिल्म के साथ काफी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया है वहीं पे फिल्म का रन टाइम है 130 मिनट यानी कि दो घंटे 10 मिनट का ये फिल्म आपको देखने को मिलेगा यू सर्टिफिकेट है इसका मतलब कि ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस देख सकती है जहाँ पे नम्बी नारायण की बायोग्राफी को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे आर माधवन ने उतारा हुआ है उनका स्टोरी एडिया काफी अच्छा था उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने इम्पलीपेट किया हुआ है टीजर ट्रेलर में बखो भी काफी बेहतरीन नजर आ रहा है फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है जो गाने सुनने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है सेम सी एस का बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी इंप्रेसिव वे में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमाटोग्राफी सिरीसा रे ने की हुई है जिन्होंने काफ़ी बेस्ट पॉसिबल वे में इस किरदार को यानी कि नंबी नारायण के किरदार को हमारे सबने पेश करने की कोशिश की हुई है फिल्म का जो टोन था फिल्म का जो एक्चुअल मूड था उसको अच्छी तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है फिल्म का जो रियलिटी ड्रामा है उन्होंने बेहतरीन वे में कैप्चर करके दिखाया हुआ है फिल्म का वे इफेक्स अच्छा है इसके अलावा कलर टोन है इसका इसके अलावा लाइटनिंग है वो सभी चीजें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज किए हुए हैं फिल्म की जो साउंड इफेक्ट है फोली है वो काफी बढ़िया तरीके से इसमें ऐड किए हुए जो एक नेचुरल वाइब देती है इसके अलावा फिल्म के एडिटर की तारीफ करनी पड़ेगी बिचित बाला की जिन्होंने सिर्फ एक मिनट में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने पेश किए हुए हैं नम्बी नारायण का किरदार काफ़ी क्रिस्प और एंगेजिंग मैनर में पेश करके दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग है वो फिल्म के हाईलाइट है फिल्म को काफ़ी बेहतर वे में सपोर्ट करता है फिल्म का जो एक मोटिवेट टाइप का मूड होना चाहिए वो हम इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू महसूस करते हैं फिल्म के सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था नम्बी नारायण के किरदार को आर माधवन जी ने जिस तरह से अपने एक्टिंग के थ्रू पर्दे पर पे उतारा हुआ है उनका वो किरदार में वो झच रहे थे उनका डायरेक्शन है उनका जो स्टोरी आइडिया है उनका जो स्क्रीन प्ले वो काफी बढ़िया तरीके से हमारे सामने एंगेजिंग मैनर में दिखाने में कामयाब रहे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी खासी है अच्छे बजट में बनाया गया है जिसकी वजह से फिल्म के वेफेक्ट भी काफी बढ़िया थे फिल्म का जो एक आ, आर्ट डायरेक्शन के लिए या फिल्म के हर एक फ्रेम के लिए वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा आउटपुट निकाला हुआ है इस फिल्म को काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल पे रिलीज किया हुआ है जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की गई है तो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो माधवन आपको नंबी नारायण के रोल में दिखाई देंगे सिमरन ने मीना नारायण का रोल प्ले किया हुआ है रजित कपूर आपको विक्रम सारा भाई के रोल में दिखाई देंगे जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन के लिए उन्होंने वो रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन के लिए रवि राघवेंद्र ने विक्रम साराभाई का रोल प्ले किया हुआ है मुरलीधरन आपको अरुणन के रोल में दिखाई देंगे मिसा घोषाल आपको गीता नारायण के रोल में दिखाई देंगे श्याम रेंग ने शंकर नारायण का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक कुमार ने पी नयन का रोल प्ले किया हुआ है गुलशन ग्रोवर ने एपीजे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है दिनेश प्रभाकर ने एलडी गोपाल का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने उडूपी रामचंद्र राव का रोल प्ले किया हुआ है डोनाल्ड ची ने कन्नल क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है फिलिप स्लोगन ने मिस्टर क्लेवर मिस क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है विंसेंट रियोटा ने ल्यूजी क्रोको का रोल प्ले किया हुआ है श्री राम पार्थ स्वामी में बेरी अमल देव का रोल प्ले किया हुआ है बीजुआई थंगजम ने स्टूडियो फिल्म पर्सोनल का रोल प्ले किया हुआ है जगन ने एक साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है राजीव रविन्द्र नाथन ने परम का रोल प्ले किया हुआ है सेम मोहन ने उन्नी का रोल प्ले किया हुआ है पावसिल ने सरताज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा शाहरुख खान का एक गेस्ट ऑफिस

नंबी नारायण नाम के एक फॉर्मर साइंटिस्ट है उनके ऊपर बेस्ड है जो एक एरोस्पेस इंजीनियर भी थे जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे उनको एक चीज के ऊपर एक किया गया था वो क्या है वही फिल्म की कहानी बनाती है इसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो महारत हासिल की हुई थी उसके बाद में उन्होंने उन सभी चीज़ों के लिए कितनी फ़ाइट की हुई थी वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है तो ये कुछ रफली स्टोरी आइडिया है जहाँ पे इस कहानी को नंबी नारायण के बचपन से लेकर जहाँ तक उन्होंने ये सभी चीज़ों की मुसीबतें सही हुई है वहाँ तक पूरी फिल्म की कहानी हमारे सामने पेश की जाएगी इस फिल्म का जो टोनर है वो बायोग्राफिकल ड्रामा है जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे आपको रियल इंसिडेंट देखने को मिलेंगे नंबी नारायण के कैरेक्टर के इर्द गिर्द इस फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो आर माधवन ने लिखा हुआ है

ఫిలిస్ లోగన్ విన్సెంట్ రియోటి శ్రీరామ్ పర్థసార్థి బిజోయ్ థంగరం जगन राजीव रविंद्रनाथन से मोहनन बावसिल शाहरुख खान का गेस्ट अपीरियंस है हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का आपको गेस्ट अपीरियंस देखने को मिलेगा तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सरिता माधवन आर माधवन फरकीस मुलान विजय मुलान तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने वर्गिस मुलान पिक्चर्स और ट्वेंटी सेवंथ एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यूएफओ मूवीज ने हिंदी वर्जन के लिए रेड जाइंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए राज फिल्म फार्स फिल्म कंपनी ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो फिल्म के साथ काफी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया है वहीं पर फिल्म का रन टाइम है एक मिनट यानी कि दो घंटे दस मिनट का ये फिल्म आपको देखने को मिलेगा यू सर्टिफिकेट है इसका मतलब कि ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस देख सकती है जहाँ पे नंबी नारायण की बायोग्राफी को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे आर माधव ने उतारा हुआ है उनका स्टोरी आइडिया काफी अच्छा था उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने इम्पलीपेट किया हुआ है वो टीजर ट्रेलर में बखो भी काफी बेहतरीन नजर आ रहा है फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है जिन्होंने काफी बेस्ट पॉसिबल वे में इस किरदार को यानी कि नंबी नारायण के किरदार को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है फिल्म का जो टोन था फिल्म का जो एक्चुअल मूड था उसको अच्छी तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है फिल्म का जो रियलिटी उन्होंने बेहतरीन वे में कैप्चर करके दिखाया फिल्म, फिल्म में काफी एड किए हुई है, फोली है वो काफी से इसमें की हुए। जो एक नेचुरल वाइब देती है इसके अलावा फिल्म के एडिटर की तारीफ करनी पड़ेगी बिजीत बाला की जिन्होंने सिर्फ एक मिनट में काफी सारी चीजें हमारे सामने पेश किए हुए हैं नंबी नारायण का किरदार काफी क्रिस्प और एंगेजिंग मैनर में करके दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग है वो फिल्म के हाईलाइट है फिल्म को काफी बेहतर वे में सपोर्ट करता है फिल्म का जो एक मोटिवेट टाइप का मूड होना चाहिए वो हम इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू महसूस करते हैं फिल्म के सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था नंबी नारायण के किरदार को आर माधवन जी ने जिस तरह से अपने एक्टिंग के थ्रू पर्दे पर उतारा हुआ है उनका वो किरदार में वो झच रहे थे उनका डायरेक्शन है उनका जो स्टोरी आइडिया है उनका जो स्क्रीन प्ले वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सा हमारे सामने एंगेजिंग मैनर में दिखाने में कामयाब रहे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी है अच्छे बजट में बनाया गया जिसकी वजह से फिल्म के वेफेक्स भी काफ़ी बढ़िया थे फिल्म का जो एक आ, आर्ट डायरेक्शन के लिए या फिल्म के हर एक फ्रेम के लिए वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा आउटपुट निकाला हुआ है इस फिल्म को काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल पे रिलीज किया हुआ है जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की गई है तो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो आर माधवन आपको नंबी नारायण के रोल में दिखाई देंगे सिमरन ने मीना नारायण का रोल प्ले किया हुआ है रजित कपूर आपको विक्रम सारा भाई के रोल में दिखाई देंगे जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन के लिए उन्होंने वो रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्सन के लिए रवि राघवेंद्र ने विक्रम साराभाई का रोल प्ले किया हुआ है मुरलीधरन आपको अरुणन के रोल में दिखाई देंगे मिसा घोषाल आपको गीता नारायण के रोल में दिखाई देंगे श्याम रेंग नाथन ने शंकर नारायण का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक कुमार ने पी नयन का रोल प्ले किया हुआ है गुलसन ग्रोवर ने एपीजे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है दिनेश प्रभाकर ने एलडी गोपाल का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने उडुपी रामचंद्र राव का रोल प्ले किया हुआ है रोन डोनाल्ड जी ने कन्नल क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है फिलिप स्लोगन ने मिस्टर क्लेवर मिस क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है विंसेंट रियोटा ने ल्यूजी क्रोको का रोल प्ले किया हुआ है श्री राम पार्थ स्वामी में बेरी अमल देव का रोल प्ले किया हुआ है बिजोई थंगजम ने स्टूडियो फिल पर्सोनल का रोल प्ले किया हुआ है जगन ने एक साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है राजीव रविंद्रनाथन ने परम का रोल प्ले किया हुआ सेम मोहन ने उन्नी का रोल प्ले किया हुआ है पावसिल ने सरताज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा शाहरुख खान का एक गेस्ट अपीरेंस देखने को मिलेगा हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पे तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का गेस्ट अपीरेंस देखने को मिलेगा इस फिल्म को टोटल पाँच लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाने वाला है जहाँ पे इंग्लिश तमिल हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को सेमेंटेस्टली शूट किया हुआ है वहीं पे मलयालम कन्नड़ा और तेलुगु वर्जन में फिल्म को डब किया गया है यानी कि ये फिल्म टोटल छः लैंग्वेज में आपको पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगी इस फिल्म के स्टोरी आइडिया डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ये फिल्म 2012 में सितंबर में अनाउंस की गई थी जहां पे अनंत महादेवन इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे तो उसके बाद में फिल्म के ऊपर उतनी कुछ खास बातें सामने नहीं आई नंबी नारायण के किरदार के ऊपर वो इस फिल्म को बनाने वाले थे धीरे धीरे पता चला कि नंबी नारायण का किरदार मोहनलाल प्ले करने वाले वहीं पे बाद में काफी सारे चेंजेस के बाद हमें पता चला कि ये फिल्म को आगे बढ़ाने वाले हैं माधवन जो इस फिल्म का एक्चुअल स्टोरी आइडिया लेके आए हुए थे वो अप्रैल 2017 तक आरमाधवन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इस फिल्म का नाम रोकेटरी द नंबी फेक होने वाला है जहाँ पे इस फिल्म के कहानी में जो डायरेक्शन है वो उनका रहने वाला स्टोरी आइडिया वो सभी चीज़ें वो क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा स्टोरी दिखाने वाले एक अनसंग हीरो के बारे में जहाँ पे वो एक स्पोर्टमैन भी नहीं है ना कोई एक्टर है बाद में उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो किरदार है नम्बी नारायण का तो अब उनकी किरदार के ऊपर पूरी चीज़ें दिखाने वाले हैं उनके पास जो एक फॉल्स चार्ज लगे हुए लगे हुए थे स्पिनर नैचे के लिए तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी करने वाले जहाँ पे उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम कर दिया है फिल्म का रेगुलर शूट जल्दी स्टार्ट होने वाला है उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग को और 2019 में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 4 जनवरी 2019 में मुंबई में स्टार्ट की गई थी एक मल्टी लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन तीन लैंग्वेजेस में शूट किया गया था इंग्लिश हिंदी तमिल तो एक ही सीन को तीन बार शूट किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन के लिए थोड़े डिफरेंट एक्टर्स भी यूज किए हुए थे फिल्म की शूटिंग काफ़ी लंबी चली थी क्योंकि एक ही सीन को तीन बार शूट करना तो हर एक शेड्यूल काफ़ी लंबा जा रहा था इसके चलते फिल्म को बनाने में काफ़ी समय लगा जहाँ पे जिस तरह से आरमाधवन के अलग अलग सेट्स दिखाए हुए अलग अलग टाइम ट्रैवल अलग अलग टाइम के किरदार में दिखाया हुआ है तो चौदह कलाक लगते थे उनको चौदह घंटे जहाँ पे उनका एक प्रोस्थेटिक मेकअप क्रिएट किया जाता था उसके बाद में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है जहाँ पे सिमरन ने सेट को जोइन काफ़ी लेट किया हुआ था जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है वहीं पर सूर्या शाहरुख खान का एक केमियो पेरेंस था जहाँ पे उन्होंने अपने रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में शूट किया हुआ है इसके अलावा इसके लिए उन्होंने कोई भी फीस चार्ज नहीं की हुई थी दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट है उन्होंने आगे के वर्जन फिल्म के अलग अलग वर्जन के लिए काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जनवरी 2019 में जॉर्जिया और रशिया में भी शूट किया गया था अप्रैल मई के महीने में फिल्म को इंडिया के कई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर शूट किया गया था और उसके बाद में माधवन के जो यंगर वर्जन है से विदाउट बी वाला वो सभी चीजें भी इंडिया में शूट की गई थी 2019 में के समय अप्रैल मई के समय उसके बाद में फिल्म को फा फ्रांस और सर्बिया में शूट किया गया था जहाँ पे जून 2019 में सर्बिया में फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे फॉरेन एक्टर्स को लेकर फाइनल शेड्यूल वहाँ पे सेट किया गया था और फिल्म को करीबन कंप्लीट करने के लिए चवालीस दिन लगे थे टोटल शूटिंग का टाइम है पोस्ट प्रोडक्शन जुलाई दो से स्टार्ट किया गया था जहाँ पे म्यूजिक का डिपार्टमेंट सी ने संभाला हुआ था जहाँ पे मिड अक्टूबर दो तक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया था अप्रैल 2020 सॉरी अगस्त 2020 में माजोर ने रिवील किया हुआ था कि वो फिल्म के फाइनल स्टेज पे पहुंच गए बस 15-20 दिन और बचे कि फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी मिक्सिंग मास्टरिंग सभी चीजें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में डिजिटल इंटरमीडिएट का काम स्टार्ट किया जाएगा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के दो गाने जहाँ पे एक है एंड इट्स हर्ट्स दूसरा गाना है थ्रू थिक एंड थिन ये दो गाने इंग्लिश वर्जन के लिए वही दो गान हिंदी वर्जन के लिए बहने दो और आसमा तमिल वर्जन के लिए पेरूवली और इनकन मे तो इन दो तो दो तो गानों को अलग अलग वर्जन के लिए रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे म्यूजिक सेम सी एस ने दिया हुआ है और तमिल वर्जन के लिए जो लिरिक्स है वो नम्बी नारायण ने लिखे हुए दोनों गाने के म्यूजिक की बात करें तो नेट कॉर्नल और बिली डाउसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सीएस सी ने किया हुआ है बाकी ये सभी गाने इन दोनों म्यूजिक आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए सिंगर है टेरेली डेवी और बिली डेवसन इंग्लिश वर्जन के लिए हिंदी वर्जन के लिए आदित्य थे दोनों गानों के लिए तमिल वर्जन के लिए भी उन्होंने ही गाया हुआ है तो इस तरह से इन म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सभी फिल्म के गाने आप यूट्यूब पे ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो फिल्म की मार्केटिंग अच्छी खासी लेवल पे की गई थी लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन हो रही थी जिसके चलते फिल्म की मार्केटिंग फ़िलहाल में जीरो बस के साथ रुकी हुई है इस फिल्म को उन्नीस मई दो में दो हज़ार के फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में ए, प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे माधवन जो फिल्म के डायरेक्टर है और नम्बी नारायण दोनों उस स्क्रीन को अटेंड किया हुआ था इसके बाद कई अलग अलग, अलग जगह पे फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जहाँ पे 12 दिन का एक टूर था यूएस में जहाँ पे यूएस के न्यूयॉर्क शिकागो होस्टली दलास इराजो लॉस एंजल्स सैन फ्रांसिस्को सीटल वहीं सभी लोकेशन के ऊपर अर्ली जून ट्वेंटी में इस फिल्म की सभी स्क्रीनिंग रखी गई थी तो इस तरह से फिल्म की स्क्रीनिंग पहले ही रिलीज से पहले करवा दी गई थी जहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला जहाँ पे फिल्म को आई पे भी करीबन आठ पॉइंट चार की रेटिंग मिली हुई है जितनी भी स्क्रीनिंग हुई है उसमें से जहाँ पे तीन सौ अड़तीस वोट मिले हुए तो पाँच की रेटिंग वोट में काफ़ी अच्छी रेटिंग है हाँ, फिलहाल में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करना बाकी है इंडिया में रिलीज करना बाकी है वर्ल्ड वाइड थिएटर में फिल्म एक जुलाई दो को आने वाली है जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है एक मिनट का रन टाइम है इस फिल्म को पहले इस टाइम पे रिलीज नहीं करने वाले थे सेप्टेम्बर दो में बताया गया था कि ये फिल्म आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलने वाली है लेकिन जिस तरह से कोविड नाइन्टीन आया ओमिक्रॉन वायरस आया जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली जो फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई जो थिएट्रिकल रिलीज़ है उसके एक साल बाद फिल्म के फाइनली रिलीज डेट अनाउंस की गई कि ये फिल्म छः लैंग्वेजेज में जैसे कि इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम कन्नडा में एक अप्रैल 2022 से देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन किया गया फरवरी में बताया गया कि ये फिल्म अब फाइनली एक जुलाई 2022 को देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए फिल्म की डेट चेंज करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर डिटेलिंग नहीं दिए हुए लेकिन अभी इनिशियली रिलीज डेट वही फिक्स है जहाँ पे मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है कि ये फिल्म फिक्स एक जुलाई 2022 को इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा वर्जन में देखने को मिलेगी तो अब देखते हैं कि ये फिल्म किस लेवल पे प्रमोट की जाती है इसके अलावा फिल्म का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग है फिल्म देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है ट्रेलर फिल्म का काफ़ी बढ़िया तरीके से कट आउट किया हुआ है लेकिन फिल्म का प्रमोशन प्रॉपर नहीं है यू एफ फिल्म को हिंदी वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जो वैसे फिल्म को बढ़िया रिलीज करवाने के लिए सक्सेसफुल नहीं मानी जाती है तो अब देखते हैं कि फिल्म का प्रमोशन किस तरह करते फिल्म को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है अब हम बात करें इस फिल्म के सैटेलाइट ओटीटी राइट्स के ऊपर तो जहां तक पता चला हुआ है तो वहां तक फिल्म के ओटीटी राइट्स टी अमेजोन प्राइम वीडियो के पास है वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट शायद सोनी मैक्स के पास है अब देखती कि इसमें कितनी सच्चाई है अगर ये दोनों प्लेटफॉर्म सही हैं तो ये फिल्म आपको थिएटिकल रिलीज़ के करीबन एक डेढ़ महीने के बाद ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ये फिल्म आपको इंग्लिश तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में यानी कि टोटल छः वर्जन में देखने को मिलेगी इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स अगर सोनी मिक्स के पास है या कोई और भी प्लेटफॉर्म के पास है या कोई और चैनल के पास है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के चार पाँच महीने के बाद सैटेलाइट चैनल सोनी मिक्स या दूसरे कोई भी सैटेलाइट चैनल जिसके पास इस फिल्म के राइट्स है वहाँ पर बिल्कुल फ्री में

ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे उनको एक चीज के ऊपर किया गया था वो क्या है वही फिल्म की कहानी बनाती है इसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो महारत हासिल की हुई थी उसके बाद में उन्होंने उन सभी चीजों के लिए कितनी फाइट की हुई थी वही सब चीजें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है तो ये कुछ रफली स्टोरी आइडिया है जहां पे इस कहानी को नम्बी नारायण के बचपन से लेकर जहां तक उन्होंने सभी चीजों की मुसीबतें सही हुई है वहां तक पूरी फिल्म की कहानी हमारे सामने पेश की जाएगी इस फिल्म का जो टोनर है वो बायोग्राफिकल ड्रामा है जहाँ पे इस फिल्म में काफी सारे आपको रियल इंसिडेंट देखने को मिलेंगे नम्बी नारायण के कैरेक्टर के इर्द गिर्द इस फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो आर माधवन ने लिखा हुआ है जो फिल्म के एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया लिखा हुआ है स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डायलॉग और फिल्म का डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ है इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात करें तो आर माधवन सिमरन राजित कपूर और रवि राघवेंद्र आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे मुरलीधरन मिसा घोषाल श्याम रेगनाथन कार्तिक कुमार गुलसन ग्रोवर दिनेश प्रभाकर मोहन रमन रॉन डोनची फिलिस लोगन विंसेंट रियोटी श्रीराम, राम पार्थसारथी बिजोई थंगरम जगन राजीव रविंद्रनाथन से मोहनन बावसिल शाहरुख खान का एक गेस्ट अपीरियंस है हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का आपको गेस्ट अपीरियंस देखने को मिलेगा तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सरिता माधवन आर माधवन वर्कीस मूलान विजय मूलान तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने ट्राई कलर फिल्म मुलान पिक्चर्स और ट्वेंटी सेवंथ एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यूएफओ मूवीज ने हिंदी वर्जन के लिए रेड जायंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए यस राज फिल्म फार्स फिल्म कंपनी ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो फिल्म के साथ काफी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया है वहीं पे फिल्म का रन टाइम है 130 मिनट यानी कि दो घंटे 10 मिनट का ये फिल्म आपको देखने को मिलेगा यू सर्टिफिकेट है इसका मतलब कि ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस देख सकती है जहाँ पे नम्बी नारायण की बायोग्राफी को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे आर माध्यम ने उतारा हुआ है उनका स्टोरी आइडिया काफी अच्छा था उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने इम्पलीपेट किया हुआ है टीजर ट्रेलर में बखो भी काफी बेहतरीन नजर आ रहा है फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है जो गाने सुनने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, का स्कोर है वो काफी इम्प्रेसिव वे में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी सिरीसा रे ने की हुई है जिन्होंने काफ़ी बेस्ट पॉसिबल वे में इस किरदार को यानी कि नम्बी नारायण के किरदार को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है फिल्म का जो टोन था फिल्म का जो एक्चुअल मूड था उसको अच्छी तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है फिल्म का जो रियलिटी ड्रामा है उन्होंने बेहतरीन वे में कैप्चर करके दिखाया हुआ है फिल्म का वे वेफेक्स अच्छा है इसके अलावा कलर टोन है इसका इसके अलावा लाइटनिंग है वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किए हुए हैं फिल्म की जो साउंड इफेक्ट है फॉली है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें ऐड किए हुए जो एक नेचुरल वाइब देती है इसके अलावा फिल्म के एडिटर की तारीफ करनी पड़ेगी बिचित बाला की जिन्होंने सिर्फ एक मिनट में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने पेश किए हुए नम्बी नारायण का किरदार काफ़ी क्रिस्प और इंगेजिंग मैनर में पेश करके दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग है वो फिल्म के हाईलाइट है फिल्म को काफ़ी बेहतर वे में सपोर्ट करता है फिल्म का जो एक मोटिवेट टाइप का मूड होना चाहिए वो हम इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू महसूस करते हैं फिल्म के सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा था नम्बी नारायण के किरदार को आर माधवन जी ने जिस तरह से अपने एक्टिंग के थ्रू पर्दे पर पे उतारा हुआ है उनका वो किरदार में वो झच रहे थे उनका डायरेक्शन है उनका जो स्टोरी आइडिया है उनका जो स्क्रीन प्ले वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे सामने एंगेजिंग मैनर में दिखाने में कामयाब रहे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी है अच्छे बजट में बनाया गया जिसकी वजह से फिल्म के वेफेक्ट भी काफ़ी बढ़िया थे फिल्म का जो एक आर्ट डायरेक्शन के लिए या फिल्म के हर एक फ्रेम के लिए वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा आउटपुट निकाला हुआ है इस फिल्म को काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल पे रिलीज किया हुआ है जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की गई है तो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो आर माधवन आपको नंबी नारायण के रोल में दिखाई देंगे सिमरन ने मीना नारायण का रोल प्ले किया हुआ है रजित कपूर आपको विक्रम सारा के रोल में दिखाई देंगे जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन के लिए उन्होंने वो रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन के लिए रवि राघवेंद्र ने विक्रम साराभाई का रोल प्ले किया हुआ है मुरलीधरन आपको अरुणन के रोल में दिखाई देंगे मिसा गोसल आपको गीता नारायण के रोल में दिखाई देंगे श्याम रेंग ने शंकर नारायण का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक कुमार ने पी न नयन का रोल प्ले किया हुआ है गुलशन ग्रोवर ने एपीजे अब्दुल कलाम का, का रोल प्ले किया हुआ है दिनेश प्रभाकर ने एल डी गोपाल का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने उडुपी रामचंद्र राव का रोल प्ले किया हुआ है डोनाल्ड ची ने कन्नल क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है फिलिप स्लोगन ने मिस्टर क्लेवर मिस क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है विंसेंट रियोटा ने ल्यूजी क्रोको का रोल प्ले किया हुआ है श्री राम पार्थ स्वामी में बेरी अमल देव का रोल प्ले किया हुआ है बीजुआई थंगजम ने स्टूडियो फिल्म पर्सोनल का रोल प्ले किया हुआ है जगन ने एक साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है राजीव रविन्द्र नाथन ने परम का रोल प्ले किया हुआ है सेम मोहन ने उन्नी का रोल प्ले किया हुआ है पावसिल ने सरताज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा शाहरुख खान का एक गेस्ट ऑफिस एक्स देखने को मिलेगा हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पे तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलेगा इस फिल्म को टोटल 5 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाने वाला है जहां पे इंग्लिश तमिल हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को सिमेंटेस्टली शूट किया हुआ है वहीं पे मलयालम कन्नडा और तेलुगु वर्जन में फिल्म को डब किया गया है यानी कि यह फिल्म टोटल 6 लैंग्वेजेस में आपको पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगी इस फिल्म के स्टोरी आईडिया डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो यह फिल्म 2012 में सितंबर में अनाउंस की गई थी यहाँ पे अनंत महादेवन इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे तो उसके बाद में फिल्म के ऊपर उतनी कुछ खास बातें सामने नहीं आई नंबी नारायण के किरदार के ऊपर वो इस फिल्म को बनाने वाले थे धीरे धीरे पता चला कि नंबी नारायण का किरदार मोहनलाल प्ले करने वाले वहीं पे बाद में काफी सारे चेंजेस के बाद हमें पता चला कि ये फिल्म को आगे बढ़ाने वाले आर माधवन जो इस फिल्म का एक्चुअल स्टोरी आइडिया लेके आए हुए थे वो अप्रैल 2017 तक आर माधव ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इस फिल्म का नाम रॉकेटरी द नंबी फेक होने वाला है जहाँ पे इस फिल्म के कहानी में जो डिरेक्शन है वो उनका रहने वाला स्टोरी आइडिया वो सभी चीज़ें वो क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा स्टोरी दिखाने वाले एक अनसंग हीरो के बारे में जहाँ पे वो एक स्पोर्टमैन भी नहीं है ना कोई एक्टर है बाद में उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो किरदार है नम्बी नारायण का तो अब उनकी किरदार के ऊपर पूरी चीज़ें दिखाने वाले हैं उनके पास जो एक फॉल्स चार्ज लगे हुए लिगे लगे हुए थे इस्पिनैजे के लिए तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी करने वाले जहाँ पे उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम कर दिया है फिल्म का रेगुलर शूट जल्दी स्टार्ट होने वाला है उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग को और दो में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 4 जनवरी 2019 में मुंबई में स्टार्ट की गई थी एक मल्टी लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन तीन लैंग्वेजेस में शूट किया गया था इंग्लिश हिंदी तमिल तो एक ही सीन को तीन बार शूट किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन के लिए थोड़े डिफरेंट एक्टर्स भी यूज किए हुए थे फिल्म की शूटिंग काफ़ी लंबी चली थी क्योंकि एक ही सीन को तीन बार शूट करना तो हर एक शेड्यूल काफ़ी लंबा जा रहा था इसके चलते फिल्म को बनाने में काफ़ी समय लगा जहाँ पे जिस तरह से आरमाजवन के अलग अलग सेट्स दिखाए हुए अलग अलग टाइम ट्रैवल अलग अलग टाइम के किरदार में दिखाया हुआ है तो चौदह कलाक लगते थे उनको चौदह घंटे जहाँ पे उनका एक प्रोस्थेटिक मेकअप क्रिएट किया जाता था उसके बाद में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है जहाँ पे सिमरन ने सेट को जो काफी लेट किया हुआ था जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है वहीं पर सूर्या शाहरुख खान का एक कैम्यो अपरंस था जहाँ पे उन्होंने अपने रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में शूट किया हुआ है इसके अलावा इसके लिए उन्होंने कोई भी फीस चार्ज नहीं की हुई थी दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट है उन्होंने आगे के वर्जन फिल्म के अलग अलग वर्जन के लिए काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जनवरी 2019 में जॉर्जिया और रशिया में भी शूट किया गया था अप्रैल मई के महीने में फिल्म को इंडिया के कई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे शूट किया गया था और उसके बाद में माधवन के जो यंगर वर्जन है से विद बी वाला वो सभी चीज़ें भी इंडिया में शूट की गई थी 2019 में के समय अप्रैल मई के समय उसके बाद में फिल्म को फा फ्रांस और सर्बिया में शूट किया गया था जहाँ पे जून 2019 में सर्बिया में फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे फॉरेन एक्टर्स को लेकर फाइनल शेड्यूल वहाँ पे सेट किया गया था और फिल्म को करीबन कंप्लीट करने के लिए चवालीस दिन लगे थे टोटल शूटिंग का टाइम है पोस्ट प्रोडक्शन जुलाई दो से स्टार्ट किया गया था जहाँ पे म्यूज़िक का डिपार्टमेंट सी ने संभाला हुआ था जहाँ पे मिड अक्टूबर दो तक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का पूरी तरह से कम कंप्लीट करवा दिया गया था अप्रैल 2020 सॉरी अगस्त 2020 में माधोर ने रिवील किया हुआ था कि वो फिल्म के फाइनल स्टेज पे पहुंच गए बस 15-20 दिन और बचे हैं कि फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी मिक्सिंग मास्टरिंग सभी चीजें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में डिजिटल इंटरमीडिएट का काम स्टार्ट किया जाएगा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के दो गाने जहाँ पे एक है एंड इट्स हर्ट्स दूसरा गाना है थ्रू थिक एंड थिन ये तो गाने इंग्लिश वर्जन के लिए वही दो गान हिंदी वर्जन के लिए बहने दो और आसमा है तमिल वर्जन के लिए पेरूवली और इनकन मन तो इन दो तो दो गानों को अलग अलग वजन के लिए रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे म्यूजिक सेम सी एस ने दिया हुआ है और तमिल वर्जन के लिए जो लिरिक्स है वो नम्बी नारायण ने लिखे हुए दोनों गाने के म्यूजिक की बात करें तो नेट कॉर्नल और बिली बिल्लीसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम एम सी एस ने किया हुआ है बाकी ये सभी गाने इन दोनों म्यूजिक आर्टिस्ट ने कंपोज किया हुए सिंगर है टेरेली डेवी और बिली डेवसन इंग्लिश वर्जन के लिए हिंदी वर्जन के लिए आदित्य थे दोनों गानों के लिए तमिल वर्जन के लिए भी उन्होंने ही गाया हुआ है तो इस तरह से इन म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सभी फिल्म के गाने आप यूट्यूब पे ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो फिल्म की मार्केटिंग अच्छी खासे लेवल पे की गई थी लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन हो रही थी जिसके चलते फिल्म की मार्केटिंग फ़िलहाल में जीरो बस के साथ रुकी हुई है इस फिल्म को उन्नीस मई दो में दो के नस्ट फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे माधवन जो फिल्म के डायरेक्टर है और नम्बी नारायण दोनों उस स्क्रीन को अटेंड किया हुआ था इसके बाद कई अलग अलग, अलग जगह पे फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जहाँ पे 12 दिन का एक टूर था यूएस में जहाँ पे यूएस के न्यूयॉर्क शिकागो होस्टेली दलास इराजो लॉस एंजल्स सैन फ्रांसिस्को सेटल वहीं सभी लोकेसन के ऊपर अर्ली जून ट्वेंटी में इस फिल्म की सभी स्क्रीनिंग रखी गई थी तो इस तरह से फिल्म की स्क्रीनिंग पहले ही रिलीज से पहले करवा दी गई थी जहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला जहाँ पे फिल्म को आई पे भी करीबन आठ पॉइंट चार की रेटिंग मिली हुई जितनी भी स्क्रीनिंग हुई है उसमें से जहाँ पे तीन सौ अड़तीस वोट मिले हुए तो आठ पॉइंट पाँच की रेटिंग तीन सौ अड़तीस वोट में काफ़ी अच्छी रेटिंग है हाँ फिलहाल में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करना बाकी है इंडिया में रिलीज़ करना बाकी है वर्ल्ड वाइड थिएटर में फिल्म एक जुलाई दो हजार बाईस को आने वाली है जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है एक सौ तीस मिनट का रन टाइम है इस फिल्म को पहले इस टाइम पर रिलीज नहीं करने वाले थे सेप्टेम्बर दो हजार इक्कीस में बताया गया था कि ये फिल्म आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलने वाली है लेकिन जिस तरह से कोविड नाइन्टीन आया ओमिक्रॉन वायरस आया जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली जो फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई जो थिएट्रिकल रिलीज है उसके एक साल बाद फिल्म के फाइनली रिलीज डेट अनाउंस की गई कि ये फिल्म छः लैंग्वेजेज़ में जैसे कि इंग्लिश हिंदी तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा में एक अप्रैल 2022 से देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन किया गया फरवरी में बताया गया कि ये फिल्म अब फाइनली एक जुलाई 2022 को देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए फिल्म की डेट चेंज करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर डिटेलिंग नहीं दिए हुए लेकिन अभी इनिशियली रिलीज डेट वही फिक्स है जहाँ पे मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है कि ये फिल्म फिक्स एक जुलाई 2022 को इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा वर्जन में देखने को मिलेगी तो अब देखते हैं कि ये फिल्म किस लेवल पे प्रमोट की जाती है इसके अलावा फिल्म का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज्यादा प्रोमिसिंग है फिल्म देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है ट्रेलर फिल्म का काफी बढ़िया तरीके से कटआउट किया हुआ है लेकिन फिल्म का प्रमोशन प्रॉपर नहीं है यू एफ इस फिल्म को हिंदी वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जो वैसे फिल्म को बढ़िया रिलीज करवाने के लिए सक्सेसफुल नहीं मानी जाती है तो अब देखते हैं कि फिल्म का प्रमोशन किस करते फिल्म को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है अब हम बात करें इस फिल्म के सैटेलाइट ओटीटी राइट्स के ऊपर तो जहां तक पता चला हुआ है तो वहां तक फिल्म के ओटीटी राइट्स टी अमेजोन प्राइम वीडियो के पास है वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स शायद सोनी मैक्स के पास है अब देखते कि इसमें कितनी सच्चाई है अगर ये दोनों प्लेटफॉर्म सही हैं तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन एक डेढ़ महीने के बाद ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ये फिल्म आपको इंग्लिश तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में यानी कि टोटल छः वर्ज़न में देखने को मिलेगी इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स अगर सोनी मिक्स के पास है या कोई और भी प्लेटफॉर्म के पास है या कोई और चैनल के पास है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के चार पाँच महीने के बाद सैटेलाइट चैनल सोनी मिक्स या दूसरे कोई भी सैटेलाइट चैनल जिसके पास इस फिल्म के राइट्स है वहाँ पर बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ओ टी टी प्लेटफॉर्म वहीं पर सैटेलाइट चैनल सोनी मिक्स या दूसरे कोई भी चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट जो 2022 की इंडियन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जहां पर फिल्म की कहानी नम्बी नारायण नाम के एक फॉर्मर साइंटिस्ट है उनके ऊपर बेस्ड है जो एक एरोस्पेस इंजीनियर भी थे जिन्होंने आई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर उनको एक चीज के ऊपर एक किया गया था वो क्या है वही फिल्म की कहानी बनाती है इसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी दुनिया में जो महारत हासिल की हुई थी उसके बाद में उन्होंने उन सभी चीज़ों के लिए कितनी फाइट की हुई थी वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है तो ये कुछ रफली स्टोरी आइडिया है जहाँ पे इस कहानी को नंबी नारायण के बचपन से लेकर जहाँ तक उन्होंने ये सभी चीज़ों की मुसीबतें सही हुई है वहाँ तक पूरी फिल्म की कहानी हमारे सामने पेश की जाएगी इस फिल्म का जो टोनर है वो बायोग्राफिकल ड्रामा है जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे आपको रियल इंसिडेंट देखने को मिलेंगे नम्बी नारायण के कैरेक्टर के, के इर्द गिर्द इस फिल्म का स्टोरी आइडिया वो आर माधवन ने लिखा हुआ है जो फिल्म के एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया लिखा हुआ है स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायलॉग और फिल्म का डरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ है इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात करें तो आरमाधवन सिमरन राजीत कपूर और रवि राघवेंद्र आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे मुरलीधरन मिशा घोषाल श्याम रेगननाथन कार्तिक कुमार गुलशन ग्रोवर दिनेश प्रभाकर मोहन रमन रॉन डोनची फिलिस लोगन विंसेंट रियोटी श्री राम पर थी बिजो जगन राजीव रविंद्रनाथन से मोहनन बावसिल शाहरुख खान का एक गेस्ट अपीरेंस है हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का गेस्ट अपीरेंस देखने को मिलेगा तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सरिता माधवन आर माधवन वर्कीस मुलान विजय मुलान तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने ट्राई कलर फिल्म वर्गिस मोलान पिक्चर्स और ट्वेंटी सेवंथ एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यूएफओ मूवीज ने हिंदी वर्जन के लिए रेड जायंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए यशराज फिल्म फार्स फिल्म्स कंपनी ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो फिल्म के साथ काफी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया है वहीं पे फिल्म का रन टाइम है 130 मिनट यानी कि दो घंटे 10 मिनट का ये फिल्म आपको देखने को मिलेगा यू सर्टिफिकेट है इसका मतलब कि ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस देख सकती है जहाँ पे नम्बी नारायण की बायोग्राफी को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे आर माधवन ने उतारा हुआ है उनका स्टोरी एडिया काफी अच्छा था उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है टीजर ट्रेलर में बखो भी काफी बेहतरीन नजर आ रहा है फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है जो गाने सुनने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। सेम का बैकग्राउंड स्कोर है वो काफी इंप्रेसिव वे में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी सिरीसा रे ने की हुई है जिन्होंने काफ़ी बेस्ट पॉसिबल वे में इस किरदार को यानी कि नंबी नारायण के किरदार को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है फिल्म का जो टोन था फिल्म का जो एक्चुअल मूड था उसको अच्छी तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है फिल्म का जो रियलिटी ड्रामा है उन्होंने बेहतरीन वे में कैप्चर करके दिखाया हुआ है फिल्म का वे इफेक्स अच्छा है इसके अलावा कलर टोन है इसका इसके अलावा लाइटनिंग है वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किए हुए हैं फिल्म की जो साउंड इफेक्ट है फॉली है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें ऐड किए हुए है जो एक नेचुरल वाइब देती है इसके अलावा फिल्म के एडिटर की तारीफ करनी पड़ेगी बिचित बाला की जिन्होंने सिर्फ एक मिनट में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने पेश किए हुए हैं नम्बी नारायण का किरदार काफ़ी क्रिस्प और एंगेजिंग मैनर में पेश करके दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग है वो फिल्म के हाईलाइट है फिल्म को काफ़ी बेहतर वे में सपोर्ट करता है फिल्म का जो एक मोटिवेट टाइप का मूड होना चाहिए वो हम इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू महसूस करते हैं फिल्म के सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था नम्बी नारायण के किरदार को आर माधवन जी ने जिस तरह से अपने एक्टिंग के थ्रू पर्दे पर उतारा हुआ है उनका वो किरदार में वो झच रहे थे उनका डायरेक्शन है उनका जो स्टोरी आइडिया है उनका जो स्क्रीन प्ले वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सा हमारे सामने एंगेजिंग मैनर में दिखाने में कामयाब रहे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी खासी है अच्छे बजट में बनाया गया जिसकी वजह से फिल्म के वे भी काफ़ी बढ़िया थे फिल्म का जो एक आर्ट डायरेक्शन के लिए या फिल्म के हर एक फ्रेम के लिए वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा आउटपुट निकाला हुआ है इस फिल्म को काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल पे रिलीज किया हुआ है जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की गई है तो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो आर माधवन आपको नंबी नारायण के रोल में दिखाई देंगे सिमरन ने मीना नारायण का रोल प्ले किया हुआ है रजित कपूर आपको विक्रम सारा के रोल में दिखाई देंगे जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन के लिए उन्होंने वो रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन के लिए रवि राघवेंद्र ने विक्रम साराभाई का रोल प्ले किया हुआ है मुरलीधरन आपको अरुणन के रोल में दिखाई देंगे मिसा गोसल आपको गीता नारायण के रोल में दिखाई देंगे श्याम रेंग नाथन ने शंकर नारायण का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक कुमार ने पी नयन का रोल प्ले किया हुआ है गुलशन ग्रोवर ने एपीजे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है दिनेश प्रभाकर ने एलडी गोपाल का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने उडुपी रामचंद्र राव का रोल प्ले किया हुआ है डोनाल्ड डोनाल्डी ने कन्ल क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है फिलिप स्लोगन ने मिस्टर क्लेवर मिस क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ विंसेंट रियोटा ने ल्यूजी क्रोको का रोल प्ले किया हुआ है श्री राम पार्थ स्वामी में बेरी अमल देव का रोल प्ले किया हुआ है बीजोई थंगजम ने स्टूडियो फिर परसनल का रोल प्ले किया हुआ है जगन ने एक साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है राजीव रविंद्रनाथन ने परम का रोल प्ले किया हुआ है सेम मोहन ने उन्नी का रोल प्ले किया हुआ है पावसिल ने सरताज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा शाहरुख खान का एक गेस्ट अपीरेंस देखने को मिलेगा हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पर तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलेगा इस फिल्म को टोटल पाँच लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाने वाला है जहाँ पे इंग्लिश तमिल हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को सेमेंटेस्टली शूट किया हुआ है वहीं पे मलयालम कन्नडा और तेलुगुजन में फिल्म को डब किया गया है यानी कि ये फिल्म टोटल छः लैंग्वेजेज़ में आपको पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगी इस फिल्म के स्टोरी आइडिया डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ये फिल्म दो में सेप्टेम्बर में अनाउंस की गई थी जहाँ पे अनंत महादेवन इस फिल्म को डरेक्ट करने वाले थे तो उसके बाद में फिल्म के ऊपर उतनी कुछ खास बातें सामने नहीं आई नंबी नारायण के किरदार के ऊपर वो इस फिल्म को बनाने वाले थे धीरे धीरे पता चला कि नंबी नारायण का किरदार मोहनलाल प्ले करने वाले वहीं पे बाद में काफ़ी सारे चेंजेस के बाद हमें पता चला कि ये फिल्म को आगे बढ़ाने वाले है माधवन जो इस फिल्म का एक्चुअल स्टोरी आइडिया लेके आए हुए थे वो अप्रैल 2017 तक आर माधवन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इस फिल्म का नाम रॉकेटरी द नंबी फेक होने वाला है जहाँ पे इस फिल्म के कहानी में जो डायरेक्शन है वो उनका रहने वाला स्टोरी आइडिया वो सभी चीज़ें वो क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी दिखाने वाले एक अनसंग हीरो के बारे में जहाँ पे वो एक स्पोर्टमैन भी नहीं है ना कोई एक्टर है बाद में उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो किरदार है नम्बी नारायण का तो अब उनकी किरदार के ऊपर पूरी चीज़ें दिखाने वाले हैं उनके पास जो एक फॉल्स चार्ज लगे हुए लगे हुए थे स्पिनर नैचे के लिए तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की इस कहानी करने वाले जहाँ पे उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम कर दिया है फिल्म का रेगुलर शूट जल्दी स्टार्ट होने वाला है उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग को दो हज़ार में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 4 जनवरी 2019 में मुंबई में स्टार्ट की गई थी एक मल्टी लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन तीन लैंग्वेजेस में शूट किया गया था इंग्लिश हिंदी तमिल तो एक ही सीन को तीन बार शूट किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन के लिए थोड़े डिफरेंट एक्टर्स भी यूज किए हुए थे फिल्म की शूटिंग काफ़ी लंबी चली थी क्योंकि एक ही सीन को तीन बार शूट करना तो हर एक शेड्यूल काफ़ी लंबा जा रहा था इसके चलते फिल्म को बनाने में काफी समय लगा जहां पे जिस तरह से आर माजोन के अलग अलग सेट्स दिखाए हुए अलग अलग टाइम ट्रैवल अलग अलग टाइम के किरदार में दिखाया हुआ है तो चौदह कलाक लगते थे उनको चौदह घंटे जहाँ पे उनका एक प्रोस्थेटिक मेकअप क्रिएट किया जाता था उसके बाद में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है जहाँ पे सिमरन ने सेट को जॉइन काफ़ी लेट किया हुआ था जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है वहीं पर सूर्या शाहरुख खान का एक कैम्योपीरेंस था जहाँ पर उन्होंने अपने रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में शूट किया हुआ है इसके अलावा इसके लिए उन्होंने कोई भी फीस चार्ज नहीं की हुई थी दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट है उन्होंने आगे के वर्जन फिल्म के अलग अलग वर्जन के लिए काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जनवरी 2019 में जॉर्जिया और रशिया में भी शूट किया गया था अप्रैल मई के महीने में फिल्म को इंडिया के कई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे शूट किया गया था और उसके बाद में माधवन के जो यंगर वर्जन है से विदाउट बियड वाला वो सभी चीज़ें भी इंडिया में शूट की गई थी 2019 हज़ार मई के समय अप्रैल मई के समय उसके बाद में फिल्म को फा फ्रांस और सर्बिया में शूट किया गया था जहाँ पे जून 2019 में सर्बिया में फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे फॉरेन एक्टर्स को लेकर फाइनल शेड्यूल वहाँ पे सेट किया गया था और फिल्म को करीबन कंप्लीट करने के लिए चवालीस दिन लगे थे टोटल शूटिंग का टाइम है पोस्ट प्रोडक्शन जुलाई दो से स्टार्ट किया गया था जहाँ पे म्यूजिक का डिपार्टमेंट सी ने संभाला हुआ था जहाँ पे मिड अक्टूबर दो तक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया था अप्रैल 2020 सॉरी अगस्त 2020 में माधोर ने रिवील किया हुआ था कि वो फिल्म के फाइनल स्टेज पे पहुंच गए बस 15-20 दिन और बचे हैं कि फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी मिक्सिंग मास्टरिंग सभी चीजें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में डिजिटल इंटरमीडिएट का काम स्टार्ट किया जाएगा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के दो गाने जहाँ पे एक है एंड इट्स हर्ट्स दूसरा गाना है थ्रू थिक एंड थिन ये गाने इंग्लिश वर्जन के लिए वही दो गान हिंदी वर्जन के लिए बहने दो और आसमा तमिल वजन के लिए पेरूवली और इनकन मन तो इन तो दो गानों को अलग अलग वजन के लिए रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे म्यूजिक से एम सी एस ने दिया हुआ है और तमिल वर्जन के लिए जो लिरिक्स है वो नम्बी नारायण ने लिखे हुए दोनों गाने के म्यूजिक की बात करें तो नेट और बिली डाउसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सीएस सी ने किया हुआ है बाकी ये सभी गाने इन दोनों म्यूजिक आर्टिस्ट ने कंपोज किया हुए सिंगर है टेरेली डेवी और बिली डेवसन इंग्लिश वर्जन के लिए हिंदी वर्जन के लिए आदित्य थे दोनों गानों के लिए तमिल वर्जन के लिए भी उन्होंने ही गाया हुआ है तो इस तरह से इन म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर गाम काम किया गया था जहाँ पे सभी फिल्म के गाने आप यूट्यूब पे ऑफिशियल बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो फिल्म की मार्केटिंग अच्छी खासे लेवल पे की गई थी लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन हो रही थी जिसके चलते फिल्म की मार्केटिंग फ़िलहाल में जीरो बस के साथ रुकी हुई है इस फिल्म को उन्नीस मई दो में दो के नस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे माधवन जो फिल्म के डायरेक्टर है और नम्बी नारायण दोनों उस स्क्रीन को अटेंड किया हुआ था इसके बाद कहीं अलग अलग, अलग जगह पे फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जहाँ पे 12 दिन का एक टूर था यूएस में जहाँ पे यूएस के न्यूयॉर्क शिकागो होस्टली दलास इराजो लॉस एंजल्स सैन फ्रांसिस्को सिटल वहीं सभी लोकेसन के ऊपर अर्ली जून ट्वेंटी में इस फिल्म की सभी स्क्रीनिंग रखी गई थी तो इस तरह से फिल्म की स्क्रीनिंग पहले ही रिलीज से पहले करवा दी गई थी जहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला जहाँ पे फिल्म को आईएमडीबी पे भी करीबन आठ पॉइंट चार की रेटिंग मिली हुई जितनी भी स्क्रीनिंग हुई है उसमें से जहाँ पे तीन सौ अड़तीस वोट मिले हुए तो पाँच की रेटिंग वोट में काफी अच्छी रेटिंग है हाँ, फिलहाल में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करना बाकी है इंडिया में रिलीज करना बाकी है वर्ल्ड वाइड थिएटर में फिल्म एक जुलाई दो हजार बाईस को आने वाली है जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है एक सौ तीस मिनट का रन टाइम है इस फिल्म को पहले इस टाइम पे रिलीज नहीं करने वाले थे सेप्टेम्बर दो हजार इक्कीस में बताया गया था कि ये फिल्म आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलने वाली है लेकिन जिस तरह से कोविड नाइन्टीन आया ओमिक्रॉन वायरस आया जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली जो फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई जो थिएट्रिकल रिलीज़ है उसके एक साल बाद फिल्म के फाइनली रिलीज़ डेट अनाउंस की गई कि ये फिल्म छः लैंग्वेजेज़ में जैसे कि इंग्लिश हिंदी तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा में एक अप्रैल 2022 से देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन किया गया फरवरी में बताया गया कि ये फिल्म अब फाइनली एक जुलाई 2022 को देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए फिल्म की डेट चेंज करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर डिटेलिंग नहीं दिए हुए लेकिन अभी इनिशियली रिलीज डेट वही फिक्स है जहाँ पे मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है कि ये फिल्म फिक्स एक जुलाई 2022 को इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगी तो अब देखते हैं कि ये फिल्म किस लेवल पे प्रमोट की जाती है इसके अलावा फिल्म का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग है फिल्म देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है ट्रेलर फिल्म का काफ़ी बढ़िया तरीके से कटआउट किया हुआ है लेकिन फिल्म का प्रमोशन प्रॉपर नहीं है यू एफ इस फिल्म को हिंदी वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जो वैसे फिल्म को बढ़िया रिलीज करवाने के लिए सक्सेसफुल नहीं मानी जाती है तो अब देखते हैं कि फिल्म का प्रमोशन किस तरह करते फिल्म को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है अब हम बात करें इस फिल्म के सैटेलाइट ओटीटी राइट्स के ऊपर तो जहां तक पता चला हुआ तो है तक इस फिल्म के ओटीटी राइट्स टी प्राइम वीडियो के पास है वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट शायद सोनी मैक्स के पास है अब देखते कि इसमें कितनी है अगर ये दोनों प्लेटफॉर्म सही हैं तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के करीबन एक डेढ़ महीने के बाद ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ये फिल्म आपको इंग्लिश तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में यानी कि टोटल छः वर्ज़न में देखने को मिलेगी इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स अगर सोनी मिक्स के पास है या कोई और भी प्लेटफॉर्म के पास है या कोई और चैनल के पास है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के चार पाँच महीने के बाद सैटेलाइट चैनल सोनी मिक्स या दूसरे कोई भी सैटेलाइट चैनल जिसके पास इस फिल्म के राइट्स है वहाँ पर बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप के ऊपर वहीं कोई चैनल या दूसरे कोई भी चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर पाओगे रॉकेटरी इफेक्ट जो 2022 की इंडियन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म की कहानी नंबी नारायण नाम के एक फॉर्मर साइंटिस्ट है उनके ऊपर बेस्ड है जो एक एरोस्पेस इंजीनियर भी थे जिन्होंने आई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे उनको एक चीज के ऊपर एक क्यूज किया गया था वो क्या है वही फिल्म की कहानी बनाती है इसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो महारत हासिल की हुई थी उसके बाद में उन्होंने उन सभी चीज़ों के लिए कितनी फाइट की हुई थी वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है तो ये कुछ रफली स्टोरी आइडिया है जहाँ पे इस कहानी को नंबी नारायण के बचपन से लेकर जहाँ तक उन्होंने

इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात करें तो आर माधवन सिमरन राजीत कपूर और रवि राघवेंद्र आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे मुरलीधरन मिशा घोषाल श्याम रेगनाथन कार्तिक कुमार गुलशन ग्रोवर दिनेश प्रभाकर मोहन रमन रॉन डोनची फिलिस लोगन विंसेंट रियोटी श्री राम पर बिजो थम जगन राजीव रविंद्रनाथन से मोहनन बावसिल शाहरुख खान का एक गेस्ट अपीर है हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का आपको गेस्ट अपीरियंस देखने को मिलेगा तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सरिता माधवन आर माधवन फर्कीस मूलान विजय मूलान तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने कलर मुलान पिक्चर्स और ट्वेंटी सेवंथ एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यूएफओ मूवीज ने हिंदी वर्जन के लिए रेड जाइंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए यशराज फिल्म फार्स फिल्म कंपनी ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो फिल्म के साथ काफी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया है वहीं पे फिल्म का रन टाइम है 130 मिनट यानी कि दो घंटे 10 मिनट का ये फिल्म आपको देखने को मिलेगा यू सर्टिफिकेट है इसका मतलब कि ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस देख सकती है जहाँ पे नम्बी नारायण की बायोग्राफी को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे आर माधव ने उतारा हुआ है उनका स्टोरी आरिया काफी अच्छा था उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने इम्पलीपेट किया हुआ है वो टीजर ट्रेलर में बखो भी काफी बेहतरीन नजर आ रहा है फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है जो गाने सुनने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, सेम सी एस का स्कोर है वो काफी इम्प्रेसिव वे में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी सिरीसा रे ने की हुई है जिन्होंने काफ़ी बेस्ट पॉसिबल वे में इस किरदार को यानी कि नंबी नारायण के किरदार को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है फिल्म का जो टोन था फिल्म का जो एक्चुअल मूड था उसको अच्छी तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है फिल्म का जो रियलिटी ड्रामा है उन्होंने बेहतरीन वे में कैप्चर करके दिखाया हुआ है फिल्म का वे इफेक्ट्स अच्छा है इसके अलावा कलर टोन है इसका इसके अलावा लाइटनिंग है वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किए हुए हैं फिल्म फिल्म की जो साउंड इफेक्ट है फॉली है वो काफी बढ़िया तरीके से इसमें एड किए हुए जो एक नेचुरल वाइब देती है इसके अलावा फिल्म के एडिटर की तारीफ करनी पड़ेगी बिचित बाला की जिन्होंने सिर्फ एक मिनट में काफ़ी सारी चीजें हमारे सामने पेश किए हुए नम्बी नारायण का किरदार काफ़ी क्रिस्प और इंगेजिंग मैनर में, में पेश करके दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग है वो फिल्म के हाईलाइट है फिल्म को काफ़ी बेहतर वे में सपोर्ट करता है फिल्म का जो एक मोटिवेट टाइप का मूड होना चाहिए वो हम इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू महसूस करते फिल्म के सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा था नंबी नारायण के किरदार को आर माधवन जी ने जिस तरह से अपने एक्टिंग के थ्रू पर्दे पर पे उतारा हुआ है उनका वो किरदार में वो झच रहे थे उनका डायरेक्शन है, है उनका जो स्टोरी आइडिया है उनका जो स्क्रीन प्ले वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे सामने एंगेजिंग मैनर में दिखाने में कामयाब रहे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी है अच्छे बजट में बनाया गया जिसकी वजह से फिल्म के वेबेक्ट भी काफ़ी बढ़िया थे फिल्म का जो एक आ, आर्ट डायरेक्शन के लिए या फिल्म के हर एक फ्रेम के लिए वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा आउटपुट निकाला हुआ है इस फिल्म को काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल पे रिलीज किया हुआ है जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की गई है तो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो आर माधवन आपको नंबी नारायण के रोल में दिखाई देंगे सिमरन ने मीना नारायण का रोल प्ले किया हुआ है रजित कपूर आपको विक्रम सारा भाई के रोल में दिखाई देंगे जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन के लिए उन्होंने वो रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन के लिए रवि राघवेंद्र ने विक्रम साराभाई का रोल प्ले किया हुआ है मुरलीधरन आपको अरुणन के रोल में दिखाई देंगे मिसा घोषाल आपको गीता नारायण के रोल में दिखाई देंगे श्याम रेंग नाथन ने शंकर नारायण का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक कुमार ने पी नयन का रोल प्ले किया हुआ है गुलसन ग्रोवर ने एपीजे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है दिनेश प्रभाकर ने एलडी गोपाल का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने उडुपी रामचंद्र राव का रोल प्ले किया हुआ है रोन डोनाल्ड ने कन्ल क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है फिलिस स्लोगन ने मिस्टर क्लेवर मिस क्लेवर का रोल प्ले किया हुआ है विंसेंट रियोटा ने ल्यूजी क्रोको का रोल प्ले किया हुआ है श्री राम पार्थ स्वामी में बेरी अमल देव का रोल प्ले किया हुआ है बिजुई थंगजम ने स्टूडियो फिल्म पर्सोनल का रोल प्ले किया हुआ है जगन ने एक साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है राजीव रविन्द्र नाथन ने परम का रोल प्ले किया हुआ है सेम मोहन ने उन्नी का रोल प्ले किया हुआ है पावसिल ने सरताज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा शाहरुख खान का एक गेस्ट अपीरियंस देखने को मिलेगा हिंदी इंग्लिश वर्जन में वहीं पर तमिल और दूसरे साउथ इंडियन वर्जन में सूर्या का गेस्ट अपीरियंस देखने को मिलेगा इस फिल्म को टोटल पाँच लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाने वाला है जहाँ पे इंग्लिश तमिल हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को सेमेंटेस्टली शूट किया हुआ है वहीं पे मलयालम कन्नडा और तेलुगु अर्जन में फिल्म को डब किया गया है यानी कि ये फिल्म टोटल छः लैंग्वेजेस में आपको पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगी इस फिल्म के स्टोरी आइडिया डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ये फिल्म दो में सेप्टेम्बर में अनाउंस की गई थी जहाँ पे अनंत महादेवन इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले थे तो उसके बाद में फिल्म के ऊपर उतनी कुछ खास बातें सामने नहीं आई नंबी नारायण के किरदार के ऊपर वो इस फिल्म को बनाने वाले थे धीरे धीरे पता चला कि नंबी नारायण का किरदार मोहनलाल प्ले करने वाले वहीं पे बाद में काफ़ी सारे चेंजेस के बाद हमें पता चला कि ये फिल्म को आगे बढ़ाने वाले आर माधवन जो इस फिल्म का एक्चुअल स्टोरी आइडिया लेके आए हुए थे वो अप्रैल 2017 तक आर माधवन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इस फिल्म का नाम रॉकेटरी द नंबी फेक होने वाला है जहां पे इस फिल्म के कहानी में जो डायरेक्शन है वो उनका रहने वाला स्टोरी आइडिया वो सभी चीजें वो क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी दिखाने वाले एक अनसंग हीरो के बारे में जहाँ पे वो एक स्पोर्टमैन भी नहीं है ना कोई एक्टर है बाद में उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो किरदार है नम्बी नारायण का तो अब उनकी किरदार के ऊपर पूरी चीज़ें दिखाने वाले हैं उनके पास जो एक फॉल्स चार्ज लगे हुए लिगे लगे हुए थे स्पिनोर नैचे के लिए तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की इस कहानी करने वाले जहाँ पे उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम कर दिया है फिल्म का रेगुलर शूट जल्दी स्टार्ट होने वाला है उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग को दो हज़ार उन्नीस में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी चार जनवरी दो हजार उन्नीस में मुंबई में स्टार्ट की गई थी एक मल्टी लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन तीन लैंग्वेजेस में शूट किया गया था इंग्लिश हिंदी तमिल तो एक ही सीन को तीन बार शूट किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन के लिए थोड़े डिफरेंट एक्टर्स भी यूज किए हुए थे फिल्म की शूटिंग काफी लंबी चली थी क्योंकि एक ही सीन को तीन बार शूट करना तो हर एक सीडियल काफ़ी लंबा जा रहा था इसके चलते फिल्म को बनाने में काफी समय लगा जहाँ पे जिस तरह से आरमाजन के अलग अलग सेट्स दिखाए हुए अलग अलग टाइम ट्रैवल अलग अलग टाइम के किरदार में दिखाया हुआ है तो चौदह कलाक लगते थे उनको चौदह घंटे जहाँ पे उनका एक प्रोस्थेटिक मेकअप क्रिएट किया जाता था उसके बाद में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है जहाँ पे सिमरन ने सेट को जो है काफ़ी लेट किया हुआ था जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है वहीं पे सूर्या शाहरुख खान का एक कैमरा अपीरेंस था जहाँ पे उन्होंने अपने रिस्पेक्टेड लैंग्वेजेस में शूट किया हुआ है इसके अलावा इसके लिए उन्होंने कोई भी फीस चार्ज नहीं की हुई थी दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट है उन्होंने आगे के वर्जन फिल्म के अलग अलग वर्जन के लिए काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जनवरी 2019 में जॉर्जिया और रशिया में भी शूट किया गया था अप्रैल मई के महीने में फिल्म को इंडिया के कई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर शूट किया गया था और उसके बाद में माधवन के जो यंगर वर्जन है से विदाउट बीड वाला वो सभी चीज़ें भी इंडिया में शूट की गई थी 2019 में के समय अप्रैल मई के समय उसके बाद में फिल्म को फा फ्रांस और सर्बिया में शूट किया गया था जहाँ पे जून 2019 में सर्बिया में फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे फॉरेन एक्टर्स को लेकर फाइनल शेड्यूल वहाँ पे सेट किया गया था और फिल्म को करीबन कंप्लीट करने के लिए चौवालीस दिन लगे थे टोटल शूटिंग का टाइम है पोस्ट प्रोडक्शन जुलाई दो से स्टार्ट किया गया था जहाँ पे म्यूजिक का डिपार्टमेंट सी ने संभाला हुआ था जहाँ पे मिड अक्टूबर दो तक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया था अप्रैल 2020 सॉरी अगस्त 2020 में माजोर ने रिवील किया हुआ था कि वो फिल्म के फाइनल स्टेज पे पहुंच गए बस 15-20 दिन और बचे हैं कि फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी मिक्सिंग मास्टरिंग सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में डिजिटल इंटरमीडिएट का काम स्टार्ट किया जाएगा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के दो गाने जहाँ पे एक है एंड इट्स हर्ट्स दूसरा गाना है थ्रू थिक एंड थिन ये तो गाने इंग्लिश वर्जन के लिए वही दो गान हिंदी वर्जन के लिए बहने दो और आसमा तमिल वजन के लिए पेरुवली और इनकन मन तो इन दो तो तो गानों को अलग अलग वजन के लिए रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे म्यूजिक सेम सी एस ने दिया हुआ है और तमिल वर्जन के लिए जो लिरिक्स है वो नम्बी नारायण ने लिखे हुए दोनों गाने के म्यूजिक की बात करें तो नेट कॉर्नल और बिली डाउसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी ने किया हुआ है बाकी ये सभी गाने इन दोनों म्यूजिक आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए सिंगर है टेरेली डेवी और बिली डेवसन इंग्लिश वर्जन के लिए हिंदी वर्जन के लिए आदित्य थे दोनों गानों के लिए तमिल वर्जन के लिए भी उन्होंने ही गाया हुआ है तो इस तरह से इन म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सभी फिल्म के गाने आप यूट्यूब पे ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो फिल्म की मार्केटिंग अच्छी खासे लेवल पे की गई थी लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन हो रही थी जिसके चलते फिल्म की मार्केटिंग फ़िलहाल में जीरो बस के साथ रुकी हुई है इस फिल्म को उन्नीस मई दो में दो हजार के नस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे माधवन जो फिल्म के डायरेक्टर है और नम्बी नारायण दोनों उस स्क्रीन को अटेंड किया हुआ था इसके बाद कई अलग अलग, अलग जगह पे फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जहाँ पे 12 दिन का एक टूर था यूएस में जहाँ पे यूएस के न्यूयॉर्क शिकागो होस्टली डलास इराजो लॉस एंजल्स सैन फ्रांसिस्को सिटल वहीं सभी लोकेसन के ऊपर अर्ली जून ट्वेंटी में इस फिल्म की सभी स्क्रीनिंग रखी गई थी तो इस तरह से फिल्म की स्क्रीनिंग पहले ही रिलीज से पहले करवा दी गई थी जहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला जहाँ पे फिल्म को आई पे भी करीबन आठ पॉइंट चार की रेटिंग मिली हुई है जितनी भी स्क्रीनिंग हुई है उसमें से जहाँ पे तीन सौ अड़तीस वोट मिले हुए तो पाँच की रेटिंग अड़तीस वोट में काफी अच्छी रेटिंग है हाँ, फिलहाल में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करना बाकी है इंडिया में रिलीज करना बाकी है वर्ल्ड वाइड थिएटर में फिल्म एक जुलाई दो को आने वाली है जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है एक मिनट का रन टाइम है इस फिल्म को पहले इस टाइम पे रिलीज नहीं करने वाले थे सेप्टेम्बर दो में बताया गया था कि ये फिल्म आपको का, काफ़ी जल्द देखने को मिलने वाली है लेकिन जिस तरह से कोविड नाइन्टीन आया ओमिक्रॉन वायरस आया जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली जो फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई जो थिएट्रिकल रिलीज़ है उसके एक साल बाद फिल्म के फाइनली रिलीज डेट अनाउंस की गई कि ये फिल्म छः लैंग्वेजेज में जैसे कि इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम कन्नडा में एक अप्रैल 2022 से देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन किया गया फरवरी में बताया गया कि ये फिल्म अब फाइनली एक जुलाई 2022 को देखने को मिलेगी लेकिन फिर से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए फिल्म की डेट चेंज करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर डिटेलिंग नहीं दिए हुए लेकिन अभी इनिशियली रिलीज डेट वही फिक्स है जहाँ पे मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है कि ये फिल्म फिक्स एक जुलाई 2022 को इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगी तो अब देखते हैं कि ये फिल्म किस लेवल पर प्रमोट जाती है इसके अलावा फिल्म का जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा प्रोमिसिंग है फिल्म देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है ट्रेलर फिल्म का काफी बढ़िया तरीके से कट आउट किया हुआ है लेकिन फिल्म का प्रमोशन प्रॉपर नहीं है यू एफ फिल्म को हिंदी वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जो वैसे फिल्म को बढ़िया रिलीज करवाने के लिए सक्सेसफुल नहीं मानी जाती है तो अब देखते हैं कि फिल्म का प्रमोशन किस तरह से करते हैं फिल्म को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है अब हम बात करें इस फिल्म के सेटेलाइट ओ राइट्स के ऊपर तो जहाँ तक पता चला हुआ है वहाँ तक फिल्म के ओ राइट्स अमेजोन प्राइम मीडियो के पास है वहीं पर फिल्म के सैटेलाइट राइट शायद सोनी मैक्स के पास है अब देखते कि इसमें कितनी सच्चाई है अगर ये दोनों प्लेटफॉर्म सही हैं तो ये फिल्म आपको थिएटिकल रिलीज़ के करीबन एक डेढ़ महीने के बाद ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ये फिल्म आपको इंग्लिश तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में यानी कि टोटल छः वर्जन में देखने को मिलेगी इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स अगर सोनी मिक्स के पास है या कोई और भी प्लेटफॉर्म के पास है या कोई और चैनल के पास है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के चार पाँच महीने के बाद सैटेलाइट चैनल सोनी मिक्स या दूसरे कोई भी सैटेलाइट चैनल जिसके पास इस फिल्म के राइट्स है वहाँ पर बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप अम्यज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ओ टी वहीं पर सेटेलाइट चैनल सोनी मिक्स या दूसरे कोई भी चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी डिटेलिंग दे दिए इसके अलावा इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए साथ ही में फिल्म कितनी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दी है फिल्म का स्टोरी आइडिया दे दिया है प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, का एक अंदाज़ा दे दिया है फिल्म का स्टोरी का एक प्रॉपर मैंने ढांचा बता दिया है इसके अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिटेलिंग दे दिए साथ ही में फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट और साथ ही में स्टार कास्ट के बारे में भी जानकारी दे दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा अगर तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू